हेलो स्टूडेंट्स, मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना के इस ज्योग्राफी क्लास में आप सभी का स्वागत है। और आज हम लोग ओशनोग्राफी के जो बाकी के टॉपिक हैं वो सारे आज ही पढ़ेंगे। आज का क्लास आप लोगों के लिए इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि आज हम लोग 5 टॉपिक एक साथ पढ़ेंगे। छोटे छोटे टॉपिक हैं, एक दिन के हिसाब से नहीं था, इसलिए मैंने सारे टॉपिक एक साथ कर दिए। और बहुत इंटरेस्टिंग क्लास हमारा होने वाला है आज का, तो ध्यान से सुनिए समझिए, क्योंकि आज हम लोग टेम्परेचर ऑफ ओशन, सैलिनिटी, मैरिन डिपॉजिट्स, कोरल रीफ एंड टाइड्स, ये सारी चीज़ें पढ़ने वाले हैं। और आज आपका ओशनोग्राफी कंप्लीट भी हो जाएगा, ठीक है। ओशनोग्राफी में मेन जो बड़े टॉपिक थे वो ओशनिक करंट्स और जो ओशन बॉटम रिलीफ था, वो थोड़ा बड़े बड़े टॉपिक थे। बाकी ये सब बहुत छोटे छोटे से हैं, लेकिन स्कोरिंग बहुत हैं, बहुत इसमें से सारा पूछा जाता है। जितना आज मैं कराने जा रहा हूँ, आप देखेंगे लास्ट ईयर के पेपर उठा के, तो आपको बहुत कुछ मिलेगा। और सिंपल क्वेश्चन आपको सीधे सीधे मिलेंगे, ठीक है। तो आज का टॉपिक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट आज का क्लास, क्योंकि हम आज ओशनोग्राफी के 5 टॉपिक एक साथ पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं सागरीय जल के तापमान की, ठीक है। महासागरीय जल का तापमान, इसमें आप देख सकते हैं, जब वर्ल्ड का मैप आपके सामने है, ग्लोब आपके सामने है, तो चीज़ें आपको अपने आप क्लियर हो जाएंगी कि टेम्परेचर का क्या इफ़ेक्ट होगा, या टेम्परेचर ओशन का टेम्परेचर का क्या इम्पोर्टेंस है, क्या कैसे हो रहा है वो। तो हेडिंग डाल दीजिए, चाहे आप अगर लिख रहे हो तो, नहीं सुन लीजिए, थोड़ा समझ लीजिए। साधारण शब्दों में हम इसे बोलेंगे सागरीय जल का तापमान। अब देखिए, एक छोटा सा आइडिया मैं आपको दे दे रहा हूँ सागरीय जल का तापमान। तो हम लोग अब बहुत सारा पढ़ चुके हैं, ग्लोब को अच्छे से समझ चुके हैं। ग्लोब में आप देख सकते हैं, यहाँ पर ओशन टेम्परेचर की बात कर दे रहे हैं। ग्लोब में अगर हम बात करें तो ग्लोब में हमें क्या देखना होता है, ग्लोब में हमें रीजन देखने होते हैं। और रीजन देखने के लिए आपको पता है हमारे पास इक्वेटर, कैंसर, कैप्रिकॉर्न, आर्कटिक, अंटार्कटिक, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, इसमें देखना है कि पानी कहाँ कहाँ है, ठीक है। उसके बाद जो रेज आ रही हैं, सन रेज आ रही हैं, वो किस भाग पे कैसी पड़ रही हैं, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑफ रेज किस महासागरीय जलीय राशि पर कैसा है, मतलब कहाँ पर परपेंडिकुलर है और कहाँ पर किरणें तिरछी जा रही हैं, ये चीज़ आपको देखनी पड़ेगी। तो थोड़ा इसके बारे में पहले सुन लीजिए, क्या तापमान महासागरीय जल का एक महत्वपूर्ण भौतिक गुण है, यानी फिजिकल करेक्टरिस्टिक है टेम्परेचर। फिजिकल करेक्टरिस्टिक ही होता है टेम्परेचर, यानी भौतिक विशेषता ही होती है तापमान। अब भौतिक विशेषता की बात आप कह सकते हैं, तापमान क्या गर्मपन हो गया महासागरीय जल का। अब आप देखिए कि इक्वेटर से पोल की तरफ अगर हम जा रहे हैं, तो इक्वेटर टू पोल, इक्वेटर मीन्स 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड और सॉरी लैटिट्यूड, इक्वेटर, इक्वेटर टू पोल, नॉर्थ पोल या साउथ पोल, हम यहाँ से जब नॉर्थ पोल पे जा रहे हैं या साउथ पोल पे जा रहे हैं, तो किस तरह से जो रेज का एंगल होगा वो चेंज होगा। जब सरफेस पे हमने पढ़ा कि एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑफ रेज इंसोलेशन वाले टॉपिक में क्या हो रहा है, यानी सरफेस पे उसका असर हो रहा है, तो जल पे भी होगा, महासागरीय महाद्वीपीय सतह पे हो रहा है तो महासागरीय सतह पे भी होगा। तो महासागरीय जल के तापमान, यानी महासागरीय जल का तापमान पृथ्वी पर कैसा होगा, किस स्थान पर कैसा होगा, ये सीधी सी बात हम पढ़ रहे हैं। इसको कठिन तरीके से नहीं, आसान तरीके से समझिए। हम सिर्फ यहाँ ये जानना चाह रहे हैं आज, या ये पढ़ेंगे कि पृथ्वी की सतह पर महासागरीय जल का तापमान किस स्थान पर कितना होता है और कैसे होता है, उसमें क्या चेंज हो रहा है या घट रहा है, बढ़ रहा है, वो क्या उसकी प्रोसेस क्या है, किस तरीके से हो रहा है। सिंपल सा एग्जांपल, सबसे आसान ये है कि पहले आप एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑफ सनरेज देख लीजिए, सूर्य की किरणों का तिरछापन देख लीजिए, या सूर्य की किरणों का एंगल देख लीजिए कि किस स्थान पर कैसा पड़ रहा है, इक्वेटर टू पोल क्या स्थिति बन रही है,
और आप सब जानते हो, क्योंकि अब तो आपको ये चीज़ ऐसा लगने लगा हो कि मैं रोज़ रोज़ एक ही बात पढ़ा रहा हूँ, लेकिन हर दिन अलग टॉपिक के साथ हम चीज़ों को पढ़ते हैं। लेकिन कुछ फैक्टर ऐसे हैं जो फिक्स हैं, उनसे हमारा सारा कंट्रोलिंग चलता है। जैसे सनरेज है, वो कंट्रोलिंग पावर है, अर्थ का पूरा सिस्टम उससे क्रिएट होता है, तो उसको तो हम इग्नोर कहीं से कहीं कर ही नहीं सकते। तो यहाँ महासागरीय जल के तापमान की बात कर रहे हैं, तो इसमें भी आप देखेंगे कि ग्लोब पे महासागरों का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है। डिस्ट्रीब्यूशन से मतलब क्या है कि जो ट्रॉपिक्स हैं, ट्रॉपिकल जोन में कौन सा महासागर का कौन सा भाग आ रहा है, टेम्परेट में कौन सा आ रहा है, और जो जमे हुए भाग हैं उसमें कौन कौन से आ रहे हैं। क्योंकि इक्वेटर टू पोल अगर टेम्परेचर का डिस्ट्रीब्यूशन भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ जाने में तापमान में गिरावट आ रही है, तो तापमान में गिरावट हम किसको कहते हैं? एज ए होल, उसमें महाद्वीप भी जुड़ा रहता है, महासागर भी जुड़ा रहता है। तो अगर महाद्वीपीय तापमान में गिरावट आ रही है, तो महासागर के तापमान में भी गिरावट आनी चाहिए, अगर अक्षांशों का प्रभाव होता है तो। और प्रभाव होता है, इसलिए ऐसा होगा कि महासागरीय जल के तापमान में भी कमी आएगी। ठीक है, इसको हम किताबी भाषा में कैसे पढ़ते हैं वो सुन लीजिए। तापमान महासागरीय जल का एक महत्वपूर्ण भौतिक गुण है, यानी एक फिजिकल प्रॉपर्टी है उसकी, महासागरीय जल की। क्या यह सूर्य तप की मात्रा किस किस पे डिपेंड करेगा, ये सुन लीजिए। ये सूर्य तप की मात्रा यानी इंसुलेशन, जो मैंने आपको अभी बोला मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है, उसको तो हम सबसे पहले हमें पढ़ना है, समझना है कि ग्लोब पे सागरों का या जल राशि का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, और ग्लोब पे सनरेज का एंगल ऑफ इंसिडेंस का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। दोनों फैक्टर हमने पढ़ लिया, हमें अपने आप समझ में आ जाएगा तापमान की क्या स्थिति होगी। ठीक है, उसके बाद ऊष्मा संतुलन, सागरीय जल के घनत्व, लवणता, वाष्पीकरण, संघनन, स्थानीय मौसमी दशाओं आदि द्वारा निर्धारित होती है। क्या होती है? महासागरीय जल का तापमान की स्थिति। ये जो फैक्टर मैंने अभी आपको बोले, इंसुलेशन, ठीक है, हीट बैलेंस, सागरीय जल का डेंसिटी ऑफ ओशन वाटर। कुछ बच्चों को थोड़ा इंग्लिश की दिक्कत रहती है, तो मैं कोशिश तो करता हूँ सारे वर्ड्स इंग्लिश में बोलूं, फिर भी रह जाता है, तो कमेंट में पूछ लिया करिए आप, स्पेशली आपको क्या चीज़ में इंग्लिश में पूछना है। एक दो बच्चे का डेली मुझे आ रहा है कि मैं इंग्लिश में बताऊं तो क्या बताऊं, उसको आप जो आपका छूट जाता है उसको आप पूछ लिया करिए कमेंट सेक्शन में जाके, ठीक है, कि आपको कौन सी बात मुझे स्पेशली इंग्लिश में बतानी है। मोस्टली मैं सारे टर्म हिंदी अंग्रेजी दोनों में यूज़ करता हूं, आप ध्यान से सुनेंगे तो आपको समझ में आएगा। दूसरा, बच्चों को ये भी रहता है कि मैं चैट नहीं देखता, मैं ये नहीं करता, उससे कोई मतलब आपका नहीं होना चाहिए, मैं सब कुछ देखता हूं। ठीक है, आपको पढ़ना है सिर्फ, आप एनसीईआरटी से पढ़िए। कुछ बच्चों के कल थे कि मैं क्वेश्चन नहीं पूछता हूं, तो आपको मैं तैयार कर रहा हूँ। तैयार कैसे कर रहा हूँ कि टॉपिक मैं पढ़ाता हूँ और प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर आपको सॉल्व करने, वो काम आप नहीं करते। मैं जो क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, समझ लीजिए वही क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ। आप एनसीईआरटी लीजिए, उसे पढ़िए, उसके लास्ट में जो टॉपिक मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ उसको आप एनसीईआरटी में पढ़िए, फिर देखिए कि मेरे पढ़ाए हुए में उसमें क्या आपको मिल रहा है। ठीक है, जो नहीं मिल रहा है, जो समझ में नहीं आ रहा है, वो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछिए। एनसीईआरटी में क्या है, उसमें लास्ट में एक्सरसाइज दी हुई है, उन क्वेश्चंस को आप सॉल्व करिए। आपको बहुत सारा होमवर्क मिल रहा है लेकिन आप उसको करना नहीं चाह रहे। अगर मैं यहाँ आपके कमेंट्स में लग जाऊँगा, और कमेंट्स भी आपके सब यूज़लेस होते हैं, तो टाइम सारा उसी में निकल जाएगा। आपको किसी चीज़ की कोई टॉपिक से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो आप कमेंट में डालिए, मैं उसको ज़रूर बताता हूँ। जिस बच्चे ने जो भी पूछा है, मैंने सबको बताया है। तो आप इसको, जो टॉपिक मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, उस टॉपिक को आप एनसीईआरटी में पढ़िए, और उसके बाद लास्ट में एक्सरसाइज दी होती है, वहाँ पे क्वेश्चन दिए होते हैं, उनको सॉल्व कीजिए। फिर आपको कोई समस्या आती है तो आप मुझसे पूछिए, और उसके साथ साथ आप जो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर हैं उनको सॉल्व कीजिए। आपको बहुत सारा होमवर्क मिलेगा। यहाँ मैं क्या आपको, मैं तो समझा रहा हूँ टॉपिक क्या, साथ में क्वेश्चन पूछूंगा। ठीक है, इसलिए आप टॉपिक पे ध्यान दें, फालतू जो चैटिंग में लगे रहते हैं वो सारा मेरे पास रहता है, सब मैं उसको पढ़ता हूँ, सब चेक करता हूँ। इसलिए ये इसमें ना रहा कि मैं कुछ नहीं देखता, मैं सब देखता हूँ। अगर उसमें भी किसी बच्चे की कोई क्वेरी होती है तो मैं उसको क्लास में बता देता हूँ। ठीक है, इसलिए आप टॉपिक पे ध्यान दीजिए, एनसीईआरटी पढ़िए, एनसीईआरटी के लास्ट में एक्सरसाइज दी हुई है, उस एक्सरसाइज को सॉल्व करिए, और उसके बाद आप उस क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व करिए, फिर देखिए आप कितने स्ट्रांग हो जाते हैं। ठीक है, तो एनसीईआरटी से अच्छा कोई ऑप्शन नहीं है। आप मेरे टॉपिक के साथ जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसके बाद ज़रूर उस बुक को पढ़िए, बहुत कुछ आपको उसमें मिलेगा। ठीक है, चलिए अब हम बात कर रहे थे ओशन टेम्परेचर की, तो फिर से सुन लीजिए कि क्या है, कौन कौन सी चीज़ें हैं जो इसको कंट्रोल करती हैं या इफ़ेक्ट डालती हैं। तो उसमें आप इंसुलेशन की बात, सबसे पहले इंसुलेशन की बात होगी। हर बच्चे को इतना अब मैंने सिखा दिया है कि अब कोई भी टॉपिक आपको दिया जा रहा है तो आप उसे सॉल्व कर सकें,
फिजिकल का कोई भी पार्ट आपको दिया जा रहा है तो आप उसे सॉल्व करने में सक्षम हैं, इतना मैंने आपको सिखा दिया है। तो यहाँ अगर हमसे कोई पूछता है कि ओशन टेम्परेचर, महासागरीय जल के तापमान के बारे में आप कैसे बताएंगे, कैसे आप डिसाइड करेंगे, तो आपका सबसे पहले जो आंसर है वो यही होना चाहिए कि हम ग्लोब की स्थिति देखेंगे और उस पर इंसुलेशन देखेंगे, कहाँ कितना गिर रहा है, यानी रेज का जो एंगल बन रहा है वो किस स्थान पर कितना बन रहा है, वो डिसाइड करेगा कि महासागरीय जल का तापमान कैसा होगा। ठीक है, ग्लोब को हमेशा तीन पोर्शन में तो जरूर बना के रखिए, ट्रॉपिकल, टेम्परेट और फ्रीज, ये हमेशा करिए, चाहे फिजिकल पढ़ें या ह्यूमन पढ़ें, सारी चीज़ें पढ़ने के लिए ये डिवीजन पता हो, और ये डिवीजन पता है तो अपने आप एक आइडिया दिमाग में रहता है कि हम कौन से लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड की बात कर रहे हैं, लॉन्गिट्यूड नहीं लैटिट्यूड स्पेशली, लो लैटिट्यूड, मिडिल लैटिट्यूड और हाई लैटिट्यूड, लो में क्या विशेषता है, मिडिल में क्या विशेषता है और हाई में क्या विशेषता है, समझ गए। तो ये सारी चीज़ें आपको अब तक मैंने सब समझा दी हैं और आपको आना चाहिए, आप इस लायक हो गए कि आप इसको क्लियर कर सकें, सॉल्व कर सकें, कोई भी टास्क आपको दिया जाता है। तो यहाँ मैंने आपको बताया इंसुलेशन की बात हो गई, यानी सूर्य तप की मात्रा कहाँ कितनी गिर रही है, ऊष्मा संतुलन, सागरीय जल का घनत्व, लवणता, जो सैलिनिटी है, इवेपोरेशन और कंडेंसेशन, स्थानीय मौसमी दशाएं, स्थानीय मौसमी दशाएं में हवाओं की स्थिति भी आ जाती है और धाराओं की स्थिति भी आ जाती है, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं उसको कंट्रोल करने के लिए। अब आप देखिए, तापमान सागरीय धाराओं, समुद्री जीव जंतुओं और वनस्पतियों का निर्धारण करता है। टेम्परेचर से क्या होता है, समुद्री जीव और वनस्पति कि किस तापमान पर किस प्रकार के जीव, जो हम अभी आगे मैरीन डिपॉजिट्स पढ़ेंगे उसमें जीव जंतुओं की बात भी आएगी। आपने कभी डिस्कवरी चैनल या नेशनल ज्योग्राफिक वगैरह में जब वो ओशन का अंदर का दिखाते हैं तब तो आपने देखा होगा बहुत सारे जो वेजिटेशन बहुत सारे टाइप का मिलता है और डिफरेंट प्लेसेस में, ये तो आपने सरफेस पे भी देखा है, पृथ्वी की सतह पर अगर आप जाएंगे तो इक्वेटर से पोल जाने पर आपको वनस्पतियों का स्ट्रक्चर अलग अलग मिलेगा। आप साधारण सी बात देख लीजिए, आप सरफेस से किसी हाइट पर जाएंगे तब भी आपको वनस्पतियों का स्ट्रक्चर अलग अलग मिलता है। आप बरेली में रहते हैं, बरेली के सबसे पास में हिल स्टेशन नैनीताल है, आप नैनीताल अभी चले जाइए तो आप देखिए कि नैनीताल में जो पहाड़ों पे पेड़ मिल रहे हैं क्या वैसे पेड़ आपको बरेली में मिलते हैं, नहीं मिलेंगे, डिफरेंस दिखेगा। तो डिफरेंस क्यों दिख रहा है, क्योंकि वहाँ पर क्लाइमेटिक चेंज आ रहा है। आप नैनीताल जाएंगे, आज की डेट में यहाँ गर्मी है, नैनीताल जाएंगे काठगोदाम से जैसे ही थोड़ा सा आप ऊपर चलना शुरू करेंगे हवा में ठंडक होनी शुरू हो जाएगी। तो क्या है वो क्लाइमेटिक इम्पैक्ट है, जलवायविक परिवर्तन है, और जलवायविक परिवर्तन आपको इक्वेटर टू पोल मिलेगा। और जलवायविक परिवर्तन को कंट्रोल करने वाले, यानी जो क्लाइमेटिक क्लाइमेट है, क्लाइमेट को कंट्रोल कौन करता है, एटमॉस्फेरिक एलिमेंट्स, फिर बात वहीं आ गई देखिए। और यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे हैं, एक एटमॉस्फेरिक एलिमेंट की ही बात कर रहे हैं जो कि टेम्परेचर है, लेकिन किसके रेफरेंस में कर रहे हैं, कॉन्टिनेंट के रेफरेंस में नहीं कर रहे हैं, हम ओशन के रेफरेंस में कर रहे हैं। तो जब उष्णकटिबंधीय महाद्वीप पर तापमान की किरण अगर 90 डिग्री एंगल बना रही है तो उस जगह पे कोई महासागर है तो वहाँ भी तो बनाएगी ना। इसलिए पहले कई बार आपको बताया कि क्लाइमेट डिसाइड करने के लिए हम कई सारी चीज़ें देखते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस देखते हैं, उसके बाद दूसरा जो फैक्टर देखते हैं वो क्या देखते हैं, नेचर ऑफ द सर्फेस देखते हैं। तो नेचर ऑफ द सर्फेस में क्या हो सकता है, या तो वो स्थल भाग होगा या जल भाग होगा, यानी लैंड पार्ट हो सकता है या वो वाटर बॉडी हो सकती है। लैंड मास होगा तो कैसा होगा, वो प्लेन है, प्लेटू है, डेजर्ट है या माउंटेन है। और अगर वाटर बॉडी है तो उसमें दो टाइप हो सकते हैं, वो स्वीट वाटर है या वो सलाइन वाटर है, यानी खारा जल है या मीठा जल है, समझ में आ रहा है। तो इस तरह से चीज़ों को हम सॉल्व करते हैं, ध्यान से पढ़ेंगे, सुनेंगे, समझेंगे तो करेंगे सब कुछ। इतने सारे मार्केट में क्वेश्चन पेपर आते हैं, आप उनको लीजिए, उनको सॉल्व करिए, समझ में आएगा अपने आप। तो यहाँ आपको ये चीज़ क्लियर हो रही होगी कि तापमान सागरीय धाराओं, समुद्री जीव जंतुओं व वनस्पतियों का निर्धारण करता है कि महासागर में किस, जैसे एक स्पेशली सार्गेसम ग्रास, सार्गेसम सी भी कह देते हैं जिसको, यहाँ पे माना जाता है ये जो कैरेबियन वाला पार्ट है यहाँ पर मिलता है, उसमें सार्गेसो टाइप की घास मिलती है, उसी के नाम पे सार्गेसम सी उसको बोल देते हैं। तो ऐसी कुछ विशिष्ट चीज़ें यहाँ पे देखने को मिलती हैं, तो उनका संबंध क्या है कि वो हमें देखना पड़ेगा कि कौन से प्रकार की जलवायु में कौन से प्रकार का पौधा जन्म ले सकता है। तो यहाँ हम बात कर रहे हैं अगर जीव जंतुओं की या वनस्पति की, तो उसमें आप देखेंगे कि मैरीन एरिया या समुद्री भाग की बात कर रहे हैं तो वनस्पतियों का निर्धारण तापमान कर रहा है, किस स्थान पर कितना तापमान है तो वहाँ पर किस प्रकार की वनस्पति या जीव जंतु उग सकता है, रह सकता है, वो निर्धारण होता है।
महासागरीय जल की सतह का औसत दैनिक तापांतर नगण्य लगभग 1 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। महासागरीय जल की सतह का औसत दैनिक तापांतर, देखिए जब हम लोगों ने टेम्परेचर पढ़ा था, एक एक चीज़, अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट चल रहा है, ये यहाँ बहुत ध्यान देने की बात है कि हमने पहले क्या पढ़ लिया और आज हम उसको अप्लाई कर रहे हैं। हमने पढ़ा था कि टेंडेंसी पढ़ी थी, जो लैंड मास होता है वो जल्दी गर्म और जल्दी ठंडा होता है, और वाटर बॉडीज देर से गर्म और देर से ठंडी होती हैं। तो स्थलीय भाग पर तापांतर ज़्यादा और जलीय भाग पर तापांतर कम होता है। उसके एग्जाम्पल मैंने आपको दिए थे कि आप मुंबई चले जाइए, कन्याकुमारी चले जाइए, वहाँ देखिए कहते हैं मॉडरेट क्लाइमेट रहता है, क्योंकि वो सारा जल से घिरी हुई भाग है। और स्थल भाग में क्या होता है, आप डेजर्ट में चले जाइए, दिन में बहुत गर्मी और रात में बहुत ठंडा हो जाता है। ठीक, तो महासागरीय जल की सतह का औसत दैनिक तापांतर नगण्य लगभग 1 डिग्री सेंटीग्रेड, ये क्वेश्चन आया हुआ है पिछले साल यूजीसी नेट में पूछा गया था ये, कि महासागरीय जल के सतह का जो तापांतर है वो एक दिन का कितना होता है, तो 1 डिग्री सेंटीग्रेड, 1 डिग्री सेंटीग्रेड, ये आपको ध्यान रखना है। क्यों? क्योंकि यहाँ जो पानी है, तो पानी की प्रॉपर्टी क्या होगी, वो देर से गर्म और देर से ठंडा होगा, समझ रहे हैं? तो इसलिए इस चीज़ को, ये क्वेश्चन है बिल्कुल, अब मैं क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूँ या आपको बता रहा हूँ, एक ही बात समझ लीजिए, इनको बिल्कुल याद कर लीजिए, रट लीजिए ये चीज़ें, और इस तरह से रटना है, इस तरह से समझना है कि क्यों ऐसा हो रहा है, कितना हो रहा है, 1 डिग्री सेंटीग्रेड क्यों हो रहा है, रीज़न मैंने आपको बता दिया। रीज़न के साथ पढ़ाई करेंगे कभी नहीं भूलेंगे, और खाली रट लेंगे तो हमेशा भूलेंगे। इसलिए आप आंसर आपको पता हो ये है, लेकिन वो क्यों है उसका कारण मैं आपको सारे बताता हूँ। नेक्स्ट, सामान्यतः सागरीय जल का अधिकतम तापमान दोपहर 2 बजे एवं न्यूनतम तापमान सुबह 5 बजे देखा जाता है। इस बात को भी मैं आपके साथ क्लाइमेट वाले टॉपिक में मैंने डिस्कशन आपके साथ किया था कि जो इंसुलेशन मिलता है उसको टेम्परेचर बनने में समय लगता है। मैंने आपको बताया था कि दोपहर के 2 बजे आप देखेंगे तो सूर्य जो है वो आपके सिर के ठीक ऊपर होगा, 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, यानी रेज 90 डिग्री का एंगल कब बना रही है, दोपहर 12 बजे। लेकिन आप जून के महीने में, आप बरेली में देख सकते हैं, मई जून के महीने में बरेली में ये प्रैक्टिकल कर सकते हैं, आप दोपहर 12 बजे देखेंगे तो सूर्य को देखने के लिए आपको बिल्कुल ऐसे देखना पड़ेगा, ठीक आपके सिर पर 90 डिग्री का एंगल बना रहा होगा। लेकिन गर्मी आपको दोपहर 12 बजे सबसे ज़्यादा नहीं लगेगी, कब लगेगी, दोपहर में 2 बजे से 4 बजे के बीच, ये प्रैक्टिकल आप करके देख सकते हैं, इस समय भी देख सकते हैं थोड़ा इस चीज़ को, ठीक है। तो गर्मी सबसे ज़्यादा कब लग रही है, 2 से 4 के बीच लग रही है, कब, जब एंगल 90 डिग्री आपके सिर पे बन रहा है। तो क्या हो रहा है, जो इंसुलेशन मिल रहा है उसको टेम्परेचर में कन्वर्ट होने में कुछ समय लगता है। तो इसी तरह से हम इस चीज़ को देख रहे हैं कि जो मैक्सिमम टेम्परेचर हमें मिल रहा है ओशन सरफेस पे, वो कितना कब मिल रहा है, दोपहर 2 बजे, और मिनिमम कब मिल रहा है, सुबह 5 बजे। टेम्परेचर में हमने सरफेस पे क्या पढ़ा था, मिनिमम कब मिलता है, जो एंगल होगा वो रात के 12 बजे, लेकिन रात के 12 बजे आपको ठंडक का अनुभव नहीं होता गर्मी के दिनों में, सुबह 4 बजे के आसपास होता है, अगर कभी होता भी है थोड़ा बहुत तो, ठीक है। तो सारी चीज़ें वही हैं, वहाँ हमने उसको कॉन्टिनेंटल सर्फेस पर पढ़ा था, और यहाँ हम इसको ओशनिक सर्फेस पर पढ़ रहे हैं। तो ये ध्यान रखना है, टेम्परेचर मैक्सिमम कब मिलता है, दोपहर 2 बजे, और मिनिमम कब मिलेगा, सुबह 5 बजे। क्यों मिल रहा है, कारण मैंने आपको सारा समझाया, आपको क्लाइमेटोलॉजी भी रिपीट यहाँ पर रिवीजन हो रहा है साथ साथ। तो ये फिगर हमेशा ध्यान रहे, इक्वेटर, कैंसर, कैप्रिकॉर्न, ये सारा हमेशा ध्यान रहे, एंगल ऑफ इंसिडेंस कहाँ कहाँ कैसा हो रहा है ये हमेशा ध्यान रहे, सारी चीज़ें आप खुद सॉल्व करेंगे। और ये बात मैंने आपको पहले भी बहुत बार बताई है कि हम इक्वेटर टू पोल देखते हैं किसी चीज़ को, या पोल टू इक्वेटर देखते हैं। तो आज हम क्या पढ़ रहे हैं, टेम्परेचर का डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ, ओशनिक सरफेस पे। तो जियोग्राफी क्या है, वितरण का विज्ञान, क्या है, जियोग्राफी इज द साइंस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, फिर से परिभाषा आ गई। तो डेली हम भूगोल की परिभाषा पढ़ते हैं, बस समझना है कि किस कहाँ पे पढ़ रहे हैं, समझ में आया ये बात। नेक्स्ट देखिए, अगस्त में सागरीय जल का तापमान सर्वाधिक व फरवरी में न्यूनतम रहता है। ये कुछ पॉइंट्स हैं, इनको आप नोट कर लीजिए, सबका रीज़न मैंने बताया कि क्यों हो रहा है, और रिजल्ट आपको याद रखना है। तो ये रिजल्ट है, इस रिजल्ट को आप नोट कर सकते हैं, कर लीजिए, कि ये क्वेश्चन, और आप पुराने पेपर देखेंगे उनमें आपको क्वेश्चन मिलेंगे। ये अगस्त में सा, यानी अभी बताया मैंने, तो कब होता है, औसत दैनिक तापांतर नगण्य लगभग 1 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। दूसरा, जो मैक्सिमम टेम्परेचर है दोपहर 2 बजे और मिनिमम 5 बजे सुबह। तीसरा, अगस्त में सागरीय जल का तापमान सर्वाधिक और फरवरी में न्यूनतम रहता है, ये चीज़ याद रखिएगा। सामान्यतः महासागरीय भाग का तापमान लगभग
-5 डिग्री सेंटीग्रेड से 33 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहता है। ये भी आपको ध्यान रखना है कि लगभग जो टेम्परेचर वेरिएशन चलता है इनमें, वेरिएशन की बात नहीं कहेंगे, डिफरेंट प्लेसेस पे हमने देखा कि कितना माइनस मिनिमम कितना हो सकता है, मैक्सिमम कितना हो सकता है। तो उसको एक आइडियल या आदर्श स्थिति में देखा तो क्या निकल के आया रिजल्ट, -5 डिग्री सेंटीग्रेड से 33 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच रहता है। आप देखिए पोल भी है यहाँ और इक्वेटर भी है। पोल हमारे पास सबसे ठंडा भाग है, इक्वेटर हमारे पास इंसुलेशन के अकॉर्डिंग सबसे गर्म भाग है। हालांकि सबसे ज़्यादा तापमान जो उत्तरी गोलार्ध में उपोष्ण कटिबंधीय भाग है यानी सब ट्रॉपिकल रीजन ऑफ नदर्न हेमिस्फीयर, वो क्या होता है हाईएस्ट टेम्परेचर गेन करता है। यहाँ के जो मरुस्थल हैं उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों के जो मरुस्थल हैं वो हाईएस्ट टेम्परेचर गेन करते हैं, ये बात ध्यान रखनी है आपको। तो हमने पूरे ग्लोब को देखा, वहाँ पर हमें क्या मिला, -5 डिग्री सेंटीग्रेड से 33 डिग्री सेंटीग्रेड तक के बीच इनका जो टेम्परेचर है वो अलग अलग स्थानों पर मिलता है। अब देखिए विषुवत के समीप का सागरीय जल सबसे अधिक गर्म रहता है तथा ध्रुवों की ओर जाने पर तापमान में क्रमिक ह्रास होता है। इस बात को बहुत बार बता चुका हूँ, हमेशा बताता हूँ, यहाँ पर क्यों होगा तापमान ज़्यादा और यहाँ पे चलते चलते कम क्यों हो जाएगा, सब चीज़ आपको पता है। तो जब महाद्वीपों पे हो रहा है तो महासागरों पे भी ये प्रॉपर्टी लागू होगी। अगली बात सुनिए जो और ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, विषुवत वृत्त पर 0 डिग्री से 10 डिग्री अक्षांशों पर यानी विषुवत रेखा के आसपास। देखिए मैं आपको पहले कई बार बताया कि 5 डिग्री से 5 डिग्री हम डोल्ड्रम या विषुवत रेखीय क्षेत्र कहते हैं और इसमें शिफ्टिंग होती है। जब सनरेज का जो एंगल है 90 डिग्री यहाँ होता है 21 जून को कर्क रेखा पर होता है, तब क्या होता है ये वाले जो बेल्ट है वो खिसक जाती है यहाँ 10 डिग्री तक 5 डिग्री और आगे बढ़ जाती है, तो 0 से 10 हो जाता है, ठीक है। और इसी टाइप से फिर जब सूर्य मकर रेखा पर चमकता है 22 दिसंबर को, जब हमारे यहाँ ठंड हो जाती है तब क्या होता है, तब ये वाली बेल्ट इधर खिसक जाती है 5 डिग्री, तो ये 0 से 10 यहाँ हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ वाले भाग में शिफ्टिंग रहती है और वो शिफ्टिंग यहाँ से यहाँ तक पोल को छोड़ के बाकी पूरे भाग में चलती है, खासकर यहाँ तक चलती है उपध्रुवीय भाग तक, इधर उपध्रुवीय भाग तक। इसको समझिए, सुनिए क्या है कहा जा रहा है, विषुवत वृत्त यानी भूमध्य रेखा, विषुवत वृत्त इक्वेटोरियल सर्किल, ठीक है, इक्वेटोरियल सर्किल यानी 0 डिग्री से 10 डिग्री अक्षांशों पर वार्षिक तापमान 26.88 डिग्री सेंटीग्रेड 26.88 डिग्री सेंटीग्रेड 27 भी कुछ किताबों में इसको लिख दिया गया है 27 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है 0 से 10। ये क्वेश्चन आया हुआ है, कई बार आया है, इसको ध्यान रखिए आप, 0 से 10 डिग्री अक्षांशों पर वार्षिक तापमान 26.88 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है, जबकि 20 डिग्री 40 डिग्री और 60 डिग्री यानी 20 डिग्री 40 डिग्री और 60 डिग्री लैटिट्यूड की बात हो रही है, उन लैटिट्यूड्स पे हम क्या करेंगे, उस पे हम एनुअल टेम्परेचर देख रहे हैं कि कितना हो रहा है। अभी हमने किसकी बात की, 0 डिग्री टू 10 यानी जब भी कभी कहा जाए जीरो इतने से इतने, तो दोनों गोलार्धों की बात होती है। आप नॉर्थ में भी जाएंगे साउथ में भी जाएंगे, 0 डिग्री टू 10 नॉर्थ और यहाँ 0 टू 10 साउथ। इक्वेटर के बाद अगर हम इस दिशा में यानी उत्तर दिशा में जा रहे हैं तो आप 1 डिग्री भी जाएंगे तो आपको नॉर्थ लिखना पड़ेगा, इसके इधर जाएंगे 1 डिग्री साउथ जाएंगे तो आपको लिखना पड़ेगा। इक्वेटर पे आप फ्री हैं, नॉर्थ या साउथ नहीं लिखेंगे, लेकिन इक्वेटर के इधर जाने में या इधर जाने में आपको लिखना पड़ेगा। ऊपर नीचे नहीं बोल रहा हूँ मैं, कभी भूगोल में ऊपर नीचे नहीं होता है, बार बार मैं इस चीज़ को कह रहा हूँ, कभी नहीं बोलेंगे, कोई ऊपर नीचे नहीं होता, नॉर्थ साउथ होता है। तो यहाँ आप या तो उत्तरी गोलार्ध की बात करेंगे, नॉर्थ हेमिस्फीयर या साउथ हेमिस्फीयर, दो जगह आप दो चीज़ें।
ठीक है, मैं थोड़ा सा रिपीट कर दे रहा हूँ, पता नहीं कहाँ से आपको वॉइस नहीं आ रही थी। बस मैं इतना बताया था अभी आपको, इक्वेटर का जो पार्ट है नहीं, इक्वेटर में हम 0° to 10° की बात अगर करें तो वहाँ पर जो टेम्परेचर है वो कितना रहता है, 26.88°C, 27 भी आप मान सकते हैं। बाकी के जो लैटिट्यूड्स हैं उन पे 20°, 40°, 60°, 22, 14 और 1°C तापमान मिलता है। ये आप इसको याद कर लीजिए। अब देखिए इस सब इससे भी इम्पोर्टेंट चीज़ अब हम आगे पढ़ने जा रहे हैं, जहाँ कॉन्सेप्ट आपको दिखेगा। सबसे अधिक तापमान स्थल भाग से घिरे हुए उष्णकटिबंधीय सागरों में, देखिए उष्णकटिबंधीय मीन्स ट्रॉपिकल जोन की, और क्या कंडीशन लिखी है, सबसे अधिक तापमान स्थल भाग से घिरे हुए उष्णकटिबंधीय सागरों में। स्थल भाग से यानी कि ऐसा पार्ट, जैसे कल हम इंडियन ओशन की बात कर रहे थे तो आपको मैंने बताया था कि इसके चारों तरफ देखिए स्थलीय भाग की अधिकता है, तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है, वो सारे चीज़ें मैंने कल आपको समझाई थी। तो ट्रॉपिकल जोन में जो ऐसे महासागरीय, ऐसी सागरीय स्थिति जहाँ पर स्थलीय भाग उसको घेरे हुए है, वहाँ पर क्या होगा, तापमान की अधिकता होगी। महासागरीय भाग की बात हो रही है, इसको ध्यान रखते रहिए। उष्णकटिबंधीय भागों में व्यापारिक हवाओं के प्रभाव के कारण महासागरों के पश्चिमी भाग पूर्वी भाग की अपेक्षा अधिक गर्म रहते हैं। देखिए कितनी सारी चीज़ें हो गई, अभी मैं आपको इन्हीं चीज़ों की बात कर रहा था, तो ट्रॉपिकल जोन की बात कर रहे हैं और क्या कह रहे हैं कि सबसे ज़्यादा जो तापमान होता है वो उष्णकटिबंधीय सागरों पर ऐसी जगह होता है जहाँ महाद्वीपों से घिरे हुए हों। अब आप देखिए उस उष्णकटिबंध में व्यापारिक हवाएं, ट्रेड विंड्स या ट्रैक विंड्स भी तो चल रही हैं, और ये कहाँ हैं, ये उष्णकटिबंधीय भाग यानी कि जो आपका सब ट्रॉपिकल जोन है या 30 से 35 वाली बेल्ट है, वहाँ से हवाएँ कहाँ जा रही हैं, इक्वेटर की तरफ जा रही हैं, और इसी पार्ट में महाद्वीपों से घिरा हुआ कोई भाग है। तो टेम्परेचर देखिए, टेम्परेचर भी इक्वेटर टू कैंसर और इक्वेटर टू कैप्रिकॉर्न सबसे ज़्यादा होता है, और यहाँ पर ट्रेड विंड्स भी चल रही हैं, और उसके बाद कॉन्टिनेंटल पार्ट चारों तरफ आ गया। तो एक के बाद सारी कंडीशन कैसी होने लगी, जो टेम्परेचर को बढ़ाने वाली हों। ये ध्यान रखना, ट्रेड विंड्स और वेस्टर्ली विंड्स दोनों के अलग अलग इफेक्ट होते हैं, और दोनों का अलग अलग जोन है। ट्रेड विंड्स यहाँ चल रही हैं ट्रॉपिकल जोन वाले पार्ट में, और जो वेस्टर्ली हैं वो यहाँ चल रही हैं। ये कौन सा पार्ट है जिसको हम टेम्परेट जोन बोलते हैं, या इसको हम बोलेंगे कि सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर से सब पोलर लो प्रेशर। अब इसके बीच में जो भी स्थान आएगा वो जलीय है या सागरीय है या स्थलीय है, कैसी स्थिति रख रहा है, तो इसमें क्या कहा गया कि ऐसा स्थान उष्णकटिबंधीय में स्थित हो, और यानी ट्रॉपिकल जोन में स्थित हो और चारों तरफ से महाद्वीपों से घिरा हुआ हो, तो वहाँ पर सागरीय भाग अगर है वो, तो उस सागरीय भाग का तापमान सबसे ज़्यादा होगा। कारण समझ में आया, कथन कारण की व्याख्या आ जाती है तो भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। आगे देखिए क्या लिखा है इसमें, उष्णकटिबंधीय भागों में व्यापारिक हवाओं के प्रभाव के कारण महासागरों के पश्चिमी भाग पूर्वी भाग की अपेक्षा अधिक गर्म रहते हैं। व्यापारिक हवाओं की दिशा भी देख लीजिए कि किस कैसे चलती हैं, ये किस दिशा से किस दिशा की तरफ जा रही हैं, तो जहाँ जाएंगी वहाँ अपना प्रभाव छोड़ेंगी। इसी के अपोजिट देखिए, इसी प्रकार शीतोष्ण कटिबंध में पछुआ पवने, इसकी बात आ गई, वेस्टर्ली विंड्स क्या कर रही हैं, महासागरों के पूर्वी भागों को पश्चिमी भागों की अपेक्षा अधिक गर्म कर रही हैं, पूर्वी भागों को, क्योंकि ये पश्चिम से पूर्व की तरफ जा रही हैं। ये सब टेक्निकल सेक्शन है, इसको बहुत ध्यान से सुन लीजिए, समझ लीजिए, नहीं तो बाद में नहीं कुछ क्लियर होगा। सुनने में लगता है सागरी जल का तापमान आसान सा टॉपिक है, लेकिन इसकी जो मैकेनिज्म बन रही है वो कैसे कैसे बन रही है, इसमें इंसुलेशन का क्या इफेक्ट आ रहा है, इसमें एयर सर्कुलेशन का क्या इफेक्ट आ रहा है, ट्रेड विंड्स और वेस्टर्ली विंड्स मैंने आपको कल भी कहा था कि मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं यहाँ पे इसके क्लाइमेट के डिसीजन में। आगे अब गहराई की बात कर लेते हैं, ये हमने बात की इसको इक्वेटर टू पोल जाने में क्या हो रहा है, गहराई की बात करेंगे। गहराई बढ़ने के साथ सागरी जल के तापमान में कमी आती है, यानी जिस जिससे हम गहराई पर जाएंगे सागरी जल के तापमान में कमी आएगी, क्योंकि आप देखिए ऊपर की सतह पानी कैसा होगा, गर्म होगा, किरण पड़ रही है, और जैसे जैसे गहराई में जाएंगे उसका प्रभाव
कम होता चला जाएगा। तो गहराई बढ़ने के साथ सागरी जल के तापमान में कमी आती है, ये पॉइंट भी आपको नोट करना है। लगभग 100 मीटर की गहराई पर सागरीय जल का तापमान धरातलीय तापमान के लगभग बराबर होता है, 100 मीटर की गहराई पर। 1800 मीटर की गहराई पर क्या होगा, 15 डिग्री सेंटीग्रेड से घटकर लगभग 2 डिग्री सेंटीग्रेड ही रह जाता है। कितना, 1800 मीटर की गहराई पर। तो ये चीज़ें आपको थोड़ी याद करनी पड़ेंगी। इनमें आपको ऐसे कॉन्सेप्ट क्या था मैंने समझाया यहाँ पे, लेकिन कुछ पॉइंट ऐसे हैं जो आपको याद करने पड़ेंगे। और 4000 मीटर की गहराई पर घटकर लगभग 1.6 डिग्री सेंटीग्रेड रह जाता है, ये चीज़ आप इसको याद करेंगे। तो यहाँ हमने ये टेम्परेचर से रिलेटेड बात की, जिसमें आपको ये देखना है कि इक्वेटर टू पोल पर जाने पर क्या स्थितियाँ बन रही हैं, कैसे जो तापमान परिवर्तन हो रहा है इक्वेटर से 10 डिग्री अक्षांशों में क्या स्थिति है, 20, 40 और 60 में क्या स्थिति है, व्यापारिक हवाओं का क्या प्रभाव हो रहा है और पछुआ हवाओं का क्या प्रभाव हो रहा है, यानी जो ट्रैक विंड्स हैं, ट्रेड विंड्स हैं, उनका क्या इफेक्ट है, और जो वेस्टर्ली विंड्स हैं उनका क्या इफेक्ट है। अगला हमारा जो टॉपिक आता है वो आता है सैलिनिटी, लवणता। ठीक है, सैलिनिटी, लवणता, महासागरीय जल की लवणता। देखिए, महासागर सब ने सुना है कि महासागरों का पानी या जल उनका खारा जल होता है, खारा होता है, वो जो खारापन है वो इनकी लवणता है, सैलिनिटी होती है। साधारण शब्दों में जो हम कहेंगे लवणता, सैलिनिटी क्या है, महासागरीय जल का खारापन ही उसकी लवणता होती है। नमकीन होता है पीने में, पी नहीं सकते आप उसको, ठीक है, उसको स्वीट वाटर नहीं कहते। इसीलिए बोला जाता है कि पानी की क्वालिटी कैसी है, तो स्वीट वाटर है या सलाइन वाटर है, तो ये सलाइन वाटर होता है, खारा खारा जल होता है। तो ये खारापन ही क्या कहलाता है, उसकी सैलिनिटी या लवणता कहलाता है। लवणता को भी हम इसी तरह से हमें देखना है कि इक्वेटर टू पोल क्या स्थिति हो जाती है। तो आप देखिए, सागरीय जल के भार, अब एक किताबी परिभाषा सुन लीजिए, सागरीय जल के भार एवं उसमें घुले हुए पदार्थों के भार के अनुपात को सागरीय लवणता कहते हैं। सागरीय जल के भार, ठीक है, और उसमें घुले हुए पदार्थों के भार, इनका जो रेशो है, इनका जो अनुपात है, उसी को हम क्या कह देते हैं, लवणता कह देते हैं। अब एक और चीज़ देखिए, सागरीय लवणता को प्रति हजार ग्राम जल में उपस्थित लवण की मात्रा, ये चीज़ ध्यान से सुन लीजिए, अभी मैं बोर्ड पे बता रहा हूँ क्या बताना चाह रहा हूँ मैं, पहले सुन लीजिए। सागरीय लवणता को प्रति हजार ग्राम जल में उपस्थित लवण, 1000 ग्राम जल में उपस्थित, जो 1000 ग्राम पानी ले लिया उसमें जो सॉल्ट मिल रहा है, ठीक है, के रूप में दर्शाया जाता है। और उसको कैसे दिखाते हैं हम, उसका जो सिंबल होता है वो सिंबल ये होता है, परसेंटेज दिखाते हैं, परसेंटेज को आप इस तरह से दिखा देते हैं, और यहाँ क्या होता है, एक यहाँ जीरो और उसके दो छोटे छोटे जीरो यहाँ, परसेंटेज में आप ऐसे दिखाते हैं, ये इसमें क्या है, इस टाइप से ये दिख रहा होगा आपको सभी को, ये सिंबल होता है। और इस सिंबल का मतलब क्या होता है कि 1000 ग्राम जल में उपस्थित लवण की मात्रा, उसको क्या कह देते हैं हम, लवणता कह देते हैं। तो अगर आपसे सैलिनिटी पूछी जाए तो आप इसको कह सकते हैं कि इतने कोई भी लिख के मान लो 20 है 30 है और इसको इस तरह से दिखा देंगे तो समझ जाएगा, समझ में आ जाएगा कि लवणता की बात की गई है, सैलिनिटी की बात की गई है, परसेंटेज दिए तो सैलिनिटी नहीं है, इस बात का ध्यान रखें। सिंबल उसका क्या है, कभी कभी ये सिंबल ही पूछ लिया जाता है कि लवणता का सिंबल ये क्या है, कैसे निम्न में से किसके द्वारा करेंगे। तो जैसे अभी मैंने बोला कि 20 है तो हम क्या दिखाएंगे, 20 दिखा दिया और ये एक जीरो ऐसे छोटा सा और दो छोटे छोटे यहाँ पे बना दिए, ये इसका सिंबल हो गया, मतलब कि 1000 ग्राम जल में 20 ग्राम लवणता सॉल्ट पाया जा रहा है। ठीक है, समान लवणता वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को समलवण रेखा, आइसोहेलाइन। जिस तरह से हमने आइसोथर्म्स और आइसोबार्स पढ़े थे, यहाँ पे एक नई चीज़ हम पढ़ रहे हैं, सम लवण रेखा, आइसोहेलाइन। समान लवणता वाले स्थानों को, ग्लोब में हम ऐसे पॉइंट सेलेक्ट कर लें जिनकी लवणता एक समान है और उनको मिलाते हुए कोई रेखा खींच दें तो वो रेखा क्या कहलाएगी, सम लवण रेखा या आइसोहेलाइन। ये बहुत बार पूछा गया है और आपको याद रखना है, आइसोहेलाइन या सम लवण रेखा। लवणता या खारापन को लवणता मापी, सेलिनोनेक्टर, लवणता मापी यंत्र, ये चीज़ें कुछ आपको याद रखनी पड़ेंगी कि किसको मापने का यंत्र क्या है, उसका नाम क्या है, और कुछ जो समान स्थान है, किस चीज़ को लेके समानता देखी गई है, उनको मिलाने वाली रेखाएं हैं वो क्या बन रही हैं। तो यहाँ हम इसको क्या बोल देते हैं, आइसोहेलाइन और सेलिनोनेक्टर, लवणता मापी यंत्र।
अब देख लीजिए कि कुछ सॉल्ट, ये सॉल्ट का बहुत आता है कि जो खारापन है या जो लवणता है या जो सैलिनिटी है, उस सैलिनिटी में जो सॉल्ट पाए जा रहे हैं वो सॉल्ट कौन कौन से हैं और उनका एसेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर क्या है। जैसे कि नमक की बात होती है, समुद्री नमक, नमक के भी कई सारे टाइप होते हैं। एक समुद्री नमक कहा जाता है जिसको आप NaCl कह देते हैं, सोडियम क्लोराइड। तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि सबसे ज़्यादा कौन सा लवण मिलता है, उसका घटता क्रम या उसका बढ़ता क्रम उनका बताइए। तो ये चीज़ भी आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है, ठीक है। क्या ध्यान रखना है, सबसे ज़्यादा मिलता है सोडियम क्लोराइड, NaCl। आप इसको लिख लीजिए, चाहे बना लीजिए, सोडियम क्लोराइड नंबर 1, 2, 3 करके 4, 5 हमारे पास हैं, उनको बना लीजिए। सोडियम क्लोराइड है, मैग्नीशियम क्लोराइड है, सोडियम क्लोराइड 77.8, दूसरा मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, पोटेशियम सल्फेट और कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम ब्रोमाइड, ये आपको मिल जाएगा, बुक्स में भी मिल जाएगा। इनका टेबल आप देख लें और उनका ऑर्डर देखना है। मेन चीज़ ये देखनी है कि असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर, कई बार उसको जोड़े बनाने के लिए आता है असेंडिंग ऑर्डर में और डिसेंडिंग ऑर्डर में करने को आता है, कई बार मैक्सिमम मिनिमम ये पूछ लिया जाता है। तो स्टार्टिंग के तीन तो आपको पता हो कि सबसे ज़्यादा कौन सा है, फिर दूसरा कौन सा है, फिर तीसरा कौन सा है। तो जिसका क्रम है सोडियम क्लोराइड 77.8, मैग्नीशियम क्लोराइड 10.9 और मैग्नीशियम सल्फेट 4.7, ये आपको ध्यान रखना है इनका ऑर्डर और कौन सा कितनी मात्रा मिल रही है। अब आता है एक इम्पॉर्टेंट पार्ट, लवणता को प्रभावित करने वाले कारक या फैक्टर्स जो उसको कंट्रोल करते हैं, कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो ओशन का की जो सैलिनिटी है उसको, उस पर इफेक्ट डालते हैं, ठीक है। मतलब कि किस स्थान पर लवणता कम होगी या ज़्यादा होगी, इस फैक्टर, इस तथ्य को कौन निर्धारित करता है, कौन कौन से फैक्टर हैं, कौन कौन से कारक हैं जो ये तय करेंगे कि किस स्थान पर लवणता कम है, किस स्थान पर ज़्यादा है, किस स्थान पर मध्यम है, इसका निर्धारण कौन करता है, वो फैक्टर्स की बात हम लोग कर रहे हैं। तो उसके बारे में सुनिए, वाष्पीकरण, नदी के जल का आगमन, वर्षा, पवन, सागरीय धाराएं, ये सारी। सबसे इम्पॉर्टेंट जो इसमें पार्ट है वो टेम्परेचर प्लस एवेपोरेशन, वाष्पीकरण। किस स्थान पर कितना, सबसे पहले तो जल की स्थिति, जल होना चाहिए। तो हम महासागर की बात कर रहे हैं तो जल तो होगा ऑब्वियसली, ठीक है। हम पूरे ग्लोब की बात नहीं कर रहे हैं, हम महासागर की बात कर रहे हैं। तो महासागर की बात कर रहे हैं इसलिए पहली शर्त तो पूरी है कि जल तो होगा ही होगा। अब दूसरी शर्त देखनी है कि वहाँ पर तापमान कितना है और तापमान के प्रभाव से वाष्पीकरण कितना है। उसके बाद वर्षा कितनी है, मतलब है सिर्फ कहने का जो सारांश मेरा है वो ये है कि स्वच्छ जल की आपूर्ति किस स्थान पर कितनी हो रही है और वहाँ से वाष्पीकरण कितना हो रहा है। कुछ स्थान ग्लोब में आप अभी सिलेक्ट करेंगे ऐसे मिलेंगे जहाँ पर तापमान जल है, तापमान ज़्यादा है, वाष्पीकरण ज़्यादा है लेकिन वर्षा नहीं है। और कुछ स्थान ऐसे मिलेंगे कि जहाँ पर जल बहुत है और तापमान उतना ज़्यादा नहीं है जो बहुत ज़्यादा वाष्पीकरण कर सके और वर्षा की मात्रा भी ज़्यादा है। कुछ स्थान ऐसे हैं जहाँ पर जल तो है लेकिन वो ठोस रूप में है और तापमान की भी कमी है और वर्षा की भी कमी है। तो तीन कंडीशन बड़ी बड़ी मैंने आपको बता दी और आप समझ गए होंगे मेरा इशारा कि मैंने ग्लोब के कौन से हिस्सों की बात की है, क्योंकि अब आप लोग इतने स्मार्ट हो चुके हैं, इतने समझदार हो चुके हैं, इतना मैंने आपको सिखा दिया है कि मैं कोड वर्ड में अगर भूगोल पढ़ा रहा हूं तो आप समझ जाएं, ठीक है। ये जो कंडीशन मैंने आपके आगे रखी तीनों, वो कंडीशन आपको समझ में आया होगा जिन बच्चों ने क्लास रेगुलर किया है कि मैंने कौन से प्लेसेस की बात की। इक्वेटोरियल जोन की बात करें हम तो इक्वेटोरियल जोन में आपने देखा है बादल छाए रहते हैं, जल बहुत है लेकिन तापमान भी बहुत, इंसुलेशन आ रहा है लेकिन बादल छाने की वजह से सरफेस तक नहीं पहुंच पाता, सरफेस तक नहीं पहुंच पाता तो इवेपोरेशन उतना ज़्यादा नहीं होता है, लेकिन वर्षा बहुत ज़्यादा होती है, ये सारी चीज़ हम पढ़ चुके हैं। अब हम बात करें इस मध्य अक्षांश वाले क्षेत्र की यानी कर्क रेखा के आसपास की, तो क्या है, तापमान बहुत ज़्यादा और तापमान ज़्यादा तो वाष्पीकरण भी ज़्यादा लेकिन वर्षा उतनी नहीं है इक्वेटर के कंपैरिजन। अब बात करें पोलर रीजन की, तो वहाँ बर्फ़ जब वाली स्थिति है, वहाँ पर क्या है, तापमान भी कम है, तो जल जो है वो ठोस रूप में है और तापमान भी कम है तो वाष्पीकरण भी कम है और लवणता भी आप अभी देखेंगे कैसी मिल रही है। अब मैंने लवणता नहीं कहा कैसी होगी लेकिन कंडीशन बताई कि वर्ल्ड में, ग्लोब में ये तीन कंडीशन आपको मिल रही, तीन बड़ी बड़ी कंडीशन बताई। माइनर अगर देखेंगे, स्थानीय स्थिति देखेंगे तो और विभिन्नता आपको मिलेगी, लेकिन मेजर कंडीशन क्या हो सकती है वो मैंने आपको समझाया।
तो अब देखिए आप इसमें बाष्पीकरण हो गया, सागरीय धाराएं हो गई, वर्षा हो गई, पवन, नदी के जल का आगमन। नदी के जल का आगमन वाला हो सकता है पॉइंट नहीं समझ में आया हो, किसी स्थान पर लवणता मान लीजिए ज़्यादा खारापन है, वहाँ पर नदी आके गिर गई और उसमें मीठा जल, नदी के पानी को मीठा जल कहा जाता है, तो वो उसने वो वाला मीठा जल इसमें आके मिल गया तो क्या होगा, उस स्थान की लवणता कम हो जाएगी, प्रभाव डाल रही है ना। इसलिए सिंपल आपको ध्यान रखना है कि जो जल की आपूर्ति उस स्थान पर हो रही है वो कैसी हो रही है। सामान्यतः वर्षा के कारण लवणता घटती है, ये आपको याद रखने पॉइंट कि जो फैक्टर्स हैं वो क्या इफेक्ट डालते हैं। सामान्यतः वर्षा के कारण लवणता घटती है, वर्षा के कारण किसी स्थान पर कोई भी लवणता है, लवणता वाला जल है उसमें वर्षा हो गई तो क्या होगा, उसकी लवणता में कमी आ जाएगी, क्योंकि वो पानी उसमें एक नया पानी जिसकी लवणता उस वर्षा के जल की लवणता उस स्थान के पानी से कम होगी, इसलिए क्या होगा वर्षा की वजह से क्या होता है लवणता की मात्रा घटती है, जबकि बाष्पीकरण के फलस्वरूप सागरीय लवणता में वृद्धि होती है। देखिए दोनों फैक्टर और एक दूसरे के पैरेलल और एक दूसरे के अपोजिट, वर्षा से लवणता की मात्रा घट रही है और बाष्पीकरण, देखिए वायुमंडल से जल का आगमन वर्षा हो गया और पृथ्वी से जल का आगमन वायुमंडल में बाष्पीकरण हो गया, ठीक है, यानी रेनफॉल एंड इवेपोरेशन, और दोनों में डिफरेंस क्या है, रेनफॉल क्या करता है सैलिनिटी को कम करता है और इवेपोरेशन क्या करता है सैलिनिटी को बढ़ाता है। किसी स्थान पर पानी की सप्लाई नहीं हो और उस स्थान पर वाष्पीकरण हो रहा है तो वो जो पानी बचेगा शेष पानी, आपने देखा है जो डेजर्ट वाले पार्ट होते हैं उनमें मोस्टली जो लेक्स होती हैं वो सारी खारी जल की झीलें होती हैं, सारी सलाइन लेक्स होती हैं, तो ये क्या हो रहा है वाष्पीकरण ज़्यादा हो रहा है, इवेपोरेशन ज़्यादा हो रहा है तो क्या होगा लवणता की मात्रा बढ़ेगी। ये सारे पॉइंट आपको बिल्कुल एकदम अच्छे से याद रखना है। बड़ी नदियों का जल महासागरों में आने पर तटीय जल की लवणता में कमी आती है। बड़ी नदियां जब गिरती हैं समुद्र में तो क्या करेंगी, समुद्र का जल खारा होता है और नदियों का पानी मीठा होता है तो उस तटीय भाग की लवणता को क्या करेंगी, कम कर देंगी। सागरीय हिम पिघलने पर लवणता में कमी आती है। अब देखिए जो जो बर्फ के बड़े बड़े टुकड़े हैं वो पिघलेंगे तो क्या होगा, तो भी लवणता में कमी होगी। प्रचलित हवाओं एवं महासागरीय धाराओं के कारण सागरीय लवणता में क्षेत्रीय भिन्नता आती है। दोबारा सुनिए, प्रचलित हवाएं नहीं, प्रिवेलिंग विंड्स एवं महासागरीय धाराओं ओशनिक करंट्स के कारण सागरीय लवणता में क्षेत्रीय भिन्नता आती है। देखिए प्रिवेलिंग विंड्स की बात करें हम, परमानेंट विंड हो गई या प्रिवेलिंग विंड्स हो गई तो ग्लोब के किसी हिस्से पर हवाएं यहाँ से यहाँ चल रही हैं और यहाँ से यहाँ चल रही हैं, किसी हिस्से पे धाराएं यहाँ से यहाँ, कल आपने पढ़ा था इक्वेटोरियल करंट और पोलर करंट या वार्म करंट और कोल्ड करंट पढ़ा था, उसमें आपने देखा था एक इक्वेटर से पोल जा रही, दूसरी पोल से इक्वेटर आ रही है तो महासागरीय जो जल है उसको उथल पुथल कर रही है, मतलब एक स्थान का जल दूसरे स्थान और दूसरे स्थान का जल इक्वेटर की तरफ आ रहा है, तो यहाँ भी क्या है हवाओं की जो गति है दिशा है वो क्या कर रही है लवणता का लवणता में क्षेत्रीय विभिन्नता ला रही है। यहाँ से धारा चली और ले गई उस ज़्यादा खारे जल को इस वाले भाग में जो कम खारा है, तो क्या हुआ यहाँ लवणता बढ़ गई और यहाँ का कम खारा जल यहाँ गया ज़्यादा वाले में तो इसकी लवणता घट गई, तो ये क्या हो रहा है क्षेत्रीय विभिन्नता, रीजनल जो डाइवर्सिटी है वो कौन ला रहा है, वो प्रिवेलिंग विंड्स और ओशनिक करंट्स ला रही हैं। इन चीज़ों को बिल्कुल तैयार रहिए इंटरव्यू के लिए, समझ गए, पहली दूसरी सीढ़ी आप पार कर लेंगे और वहाँ पर आपसे पूछा जाएगा, तब एक एक चीज़ बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। आगे अब हम ग्लोब में जो हमने एक कंक्लूजन निकाला है वही निकला है, विभिन्न सागरों में लवणता की मात्रा 33 से 37 के बीच रहती है, 33 और सिंबल वही जो मैंने आपको अभी बताया 237, ठीक है, ये एक एवरेज है और इसकी औसत लवणता यानी एवरेज सैलिनिटी की बात करें तो 35। ये सारी चीजें आप याद कर लीजिए, समझ गए। अब हम इसका डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ लेते हैं, वर्ल्ड में कहाँ कहाँ कैसे डिस्ट्रीब्यूशन है, सैलिनिटी क्या होती है, सैलिनिटी पे इफेक्ट डालने वाले फैक्टर क्या होते हैं, एक कॉमन जो हमने निकाला वो कितना होता है, एक एवरेज निकाला वो कितना होता है, सारी चीज़ें मैं आपके सामने यहाँ पे रख दी हैं, अब आपको बस इनको याद करना है। अब हम इसकी डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं, जो लवणता का विश्व में वितरण है वो क्या होगा, वितरण विश्व में यानी विश्व वितरण का मतलब इक्वेटर, कैंसर, कैप्रिकॉर्न, आर्कटिक, अंटार्कटिक, नॉर्थ पोल, साउथ पोल,
विश्व आपके सामने बना हुआ है तैयार, आप इसको देख सकते हैं कौन से भाग में कौन सा आ रहा है। आप बिल्कुल इसको अच्छे से क्लियर कर लीजिए कि ट्रॉपिकल जोन में वर्ल्ड का कौन कौन सा पार्ट आता है, टेम्परेट जोन में कौन सा आता है और फ्रीज जोन में कौन कौन सा। एक इतना अगर आप काम कर लोगे तो आपको 50% भूगोल कवर है। इतनी बात मेरी मान के इतना आप कर लीजिए कि ग्लोब को और उसको आपको एकदम क्लियर हो कि हम यहाँ की बात कर रहे हैं, तो पूरी पिक्चर यहाँ पे क्लियर दिमाग में एकदम आ जाए कि ये कॉन्टिनेंट्स, इनके ये कंट्री और ये ओशन मीन्स इनका जो सी पार्ट है या लेक्स हैं, वो सब क्लियर हो गया दिमाग में कि इस बेल्ट की बात की तो उसमें इतना पोर्शन आ गया। समझ गए, इस तरह से भूगोल की तैयारी करनी है आपको। तो इसका वितरण देख लीजिए, भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर सामान्य रूप से लवणता की मात्रा में कमी आती है। आप इसको देख सकते हैं कि यहाँ से यहाँ तक जाने में जलीय भाग में भी कमी आ रही है, मतलब कि तापमान में कमी आ रही है, तापमान में कमी आ रही है तो वाष्पीकरण में भी कमी आ रही है, तो लवणता में भी कमी आएगी। एक नॉर्मल निकाला गया है कि भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ जाने पर लवणता की मात्रा में कमी आती है। भूमध्य रेखा पर सामान्य लवणता मिलती है, भूमध्य रेखा पर सामान्य लवणता मिलती है, कारण मैंने आपको बता दिया, वाष्पीकरण कम है, वर्षा ज़्यादा है, ठीक है। क्योंकि यहाँ होने वाली अत्यधिक वर्षा यहाँ की लवणता को कम कर देती है, यद्यपि यहाँ उच्च वाष्पीकरण होता है, वाष्पीकरण भी हो रहा है लेकिन वर्षा की मात्रा उससे ज़्यादा हो रही है, इसलिए वाष्पीकरण तापमान आ रहा है लेकिन बादल छाने से उतना ज़्यादा नहीं प्रभाव हो रहा है, वाष्पीकरण हो रहा है, तापमान हो रहा है, वो सब ठीक है, लेकिन इसके कंपैरिजन जब हम बात करते हैं तो कम होता है, ये ध्यान रखना है आपको। उच्चतम लवणता उत्तरी गोलार्ध में, देखिए यहाँ स्पेशली स्पेसिफिक बोल दिया गया, उच्चतम लवणता ये हाईएस्ट जो सैलिनिटी है वो कहाँ मिल रही है, उत्तरी गोलार्ध में, यानी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में मिल रही है, कहाँ, 20 डिग्री से 40 डिग्री अक्षांशों के बीच, यानी 20 डिग्री से 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश, नॉर्थ लैटिट्यूड की बात हो रही है ये, पर क्या मिलती है, हाईएस्ट मैक्सिमम सैलिनिटी मिलती है, कहाँ, उत्तरी गोलार्ध में 20 डिग्री से 40 डिग्री अक्षांशों के बीच उच्चतम लवणता मिलती है। और इतनी देर से यही बात मैं आपको समझा रहा था, क्योंकि दक्षिण गोलार्ध में इस अक्षांश पर आप देखेंगे तो आपको स्थल भाग कम और जल भाग ज़्यादा मिलेगा, और यहाँ पर आप देखेंगे तो स्थल भाग ज़्यादा और जल भाग कम मिलेगा, तो उन स्थल भागों के आंतरिक सागर, उस समय बताया था तापमान कहाँ मिलता है, तो उष्णकटिबंधीय महाद्वीपीय सागरों लिखा था, तो वहाँ पर वाष्पीकरण भी ज़्यादा होगा तो वहाँ पर लवणता भी ज़्यादा होगी। अभी बताऊँगा मैं पर्टिकुलर वो प्लेसेस, तो आप उनको ग्लोब में ढूंढ लेंगे और आपको समझ में आ जाएगा कि जो बात हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं वो एकदम सही तरीके से लागू हो रही है। वह दक्षिणी गोलार्ध में 10 डिग्री से 30 डिग्री, उत्तरी गोलार्ध में अगर आप उच्चतम लवणता की बात करें तो 20 डिग्री से 40 डिग्री और दक्षिण गोलार्ध में 10 डिग्री से 30 डिग्री के बीच पाई जाती है, ये बात आपको याद रखनी है। आगे लवणता के लंबवत वितरण में, लंबवत वितरण यानी वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन, वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करेंगे तो वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन के वायुमंडल में ऊपर नहीं जाएंगे, सागर में गहराई में जाएंगे। इन चीज़ों का थोड़ा सा ये कॉमन सेंस भी आपको लगाना है कि हम महासागर की लवणता की बात कर रहे हैं, वर्टिकल की बात कर रहे हैं, तो सागर तल से गहराई की बात करेंगे तभी तो वर्टिकली जाएंगे, और वायुमंडल की बात कर रहे हैं तो वायुमंडल में सतह से ऊपर जा रहे होते कहीं। तो लवणता के लंबवत वितरण में भिन्नता मिलती है, उच्च अक्षांशों में गहराई के साथ लवणता बढ़ती जाती है, उच्च अक्षांशों में गहराई के साथ लवणता बढ़ती जाती है, उच्च अक्षांशों में, उच्च अक्षांश 60 से 90 की बात होती है, मध्य अक्षांशों में 200 फैदम, एक फैदम बराबर 6 फीट, मध्य अक्षांशों में 200 फैदम तक लवणता बढ़ती जाती है। ठीक है, तो मध्य अक्षांश और उच्च अक्षांश की बात अभी आपको समझ में आया कि लवणता का जो वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन है वो कैसा होता है। अब हम पर्टिकुलर वो प्लेसेस देख लें जहाँ पर जो हमें क्वेश्चन में सीधा सीधा मिल सकता है, मिलेगा और आया है, आप उसको देखिए पुराने पेपर तो अभी आपको दिखेगा। देखिए कैस्पियन सी ये वाला दिख रहा होगा आपको, कैस्पियन सी। अब कैस्पियन सी का नाम बोलते ही आपको उसके चारों तरफ क्या क्या है तुरंत होना चाहिए कि कौन से देशों से ये घिरा हुआ है, कौन कौन सी नदियाँ इसमें गिर रही हैं, कौन सा कोई पर्वत श्रृंखला कुछ ऐसा है जो इसके आसपास है। कैस्पियन सी मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है, और देखिए मध्य एशिया के किस हिस्से पे है और यूरोप और एशिया की बाउंड्री भी बनाता है। यूरेशिया पढ़ते हो, यूरेशिया में देखो आप यूरोप और एशिया मिला दिया है क्योंकि फिजिकली जुड़े हुए हैं,
फिजिकली जुड़े हुए हैं, तो हम इनको अलग अलग कॉन्टिनेंट है, इनको अलग तो करना पड़ेगा, बाउंड्री बनानी पड़ेगी। तो बाउंड्री यहाँ से बनती है, जिसमें उस बाउंड्री का एक पार्ट कैस्पियन सी भी आता है। आज आप यूरेशिया और यूरोप और एशिया की बाउंड्री ढूंढ के मुझे बताएंगे कि क्या है। तो कैस्पियन सी के उत्तरी भाग में लवड़ता 14 के आगे वही सिंबल 14 और ये वाला सिंबल, इसका मतलब प्रति हज़ार ग्राम में इतनी मात्रा, प्रति हज़ार ग्राम जल 14 पाई जाती है। बोल्गा यूराल नदियों द्वारा स्वच्छ जल की आपूर्ति होती रहती है। इसके उत्तरी भाग की बात करें तो लवणता 14 मिलती है यहाँ पर। क्यों? क्योंकि बोल्गा और यूराल नदियाँ और बोल्गा नदी, ये दोनों इसमें आगे गिरती हैं। विश्व की इम्पॉर्टेंट कौन कौन सी रिवर हैं, उनका ओरिजिन पॉइंट कहाँ है और वो कहाँ जाके गिरती हैं, ये भी हर बच्चे को क्लियर हो कि कौन सी इम्पॉर्टेंट नदी किस स्थान से निकलती है, किस स्थान पे गिरती है और उसके किनारे कौन कौन से बड़े बड़े शहर बसे हुए हैं। इस तरह से आप करेंगे, एक एक चीज़ आपकी क्लियर हो जाएगी रीजनल स्टडी की। तो क्या हो रहा है, इसकी जो सैलिनिटी उसको कौन कम कर रहा है, ये बोल्गा और यूराल रिवर, और यूराल रिवर यूराल माउंटेन यहाँ पर ही है। ये भी क्या करते हैं, एशिया और यूरोप की बाउंड्री बनाते हैं। बहुत सारी चीज़ें मैं आपको साथ साथ रीजनल स्टडी की बताता जा रहा हूँ आज। दक्षिणी भाग में काराबोगास की खाड़ी, काराबोगास देखिए यहाँ पर अरल सी भी है और काराबोगास की खाड़ी ये वाला हिस्सा है काराबोगास। देखिए ये नॉर्थ पार्ट ये और साउथ पार्ट ये, दोनों स्थानों पर कैस्पियन सी की लंबाई काफ़ी ज़्यादा है, उत्तर दक्षिण दिशा में फैला हुआ है। देखिए नॉर्थ टू साउथ फैला है, यहाँ अरल यहाँ पर बोल्गा और यूराल नदी आकर गिर रही है, स्वच्छ जल की आपूर्ति कर रही है, इसलिए लवणता को कंट्रोल कर रही है, कम कर रही है। और यहाँ काराबोगास की खाड़ी, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस है, कई बार पूछा गया है, काराबोगास की खाड़ी, गल्फ ऑफ काराबोगास, इसमें आप देखेंगे तो क्या है, लवणता 170 मिलती है, 170 ठीक है, 14 था 170, कितना अंतर आ गया दोनों जगह पे, क्योंकि वहाँ बोल्गा यूराल नदियाँ लगातार गिर रही हैं और स्वच्छ जल की आपूर्ति कर रही हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका यानी यूएसए की बृहद खारी झील ग्रेट साल्ट लेक, बहुत बच्चों ने नाम सुना होगा, पढ़ा होगा उसका, ग्रेट साल्ट लेक में कितना हो रहा है, 220 मिल रही है लवणता। जॉर्डन के मृत सागर डेड सी के नाम सबने सुना है, जॉर्डन में देखेंगे कहाँ पर है डेड सी, ठीक है, डेड सी, ये जो ये वाला जो पार्ट आता है आपका, ये ईरान इराक ये सब यहीं पे आप देखेंगे, सीरिया और जॉर्डन मिलेगा आपको, वहीं पे आपको मृत सागर या डेड सी, उसमें कितनी है 238, ये पूछे गए हुए क्वेश्चन मैं आपको डिस्कस कर रहा हूँ इस समय, 238। और सबसे ज़्यादा जहाँ मिलती है वो वान लेक टर्की एशिया माइनर इसको बोलते हैं, टर्की में वॉन लेक, कई जगह इसको वांगोलू लेक भी लिखा होता है, 330 सबसे ज़्यादा हाईएस्ट। तो आप देखिए आपने तीन देख लिए हाईएस्ट वाले, कौन कौन सा, ग्रेट सॉल्ट लेक 220, डेड सी 238 और वॉन लेक 330, तीनों पूछे गए। कभी ये ना देखे इसमें पूछ ले जाता है इनमें से हाईएस्ट कौन सा है, तो आप इसको सोचेंगे जो ऑप्शन में दिया वही करना है। तो स्टार्टिंग के तीन देख लीजिए कौन कौन से हैं, ठीक है। तो ये हमारा सेरेनिटी का पार्ट कंप्लीट हुआ। अगला हमारा आता है ओशन डिपॉजिट, थोड़ा फास्ट चल रहा हूँ मुझे पता है, लेकिन अब आप मेरे साथ चल सकते हो, इस लायक हो, सारी चीज़ें मैं समझा चुका हूँ, सारी बातें समझा चुका हूँ, तो इसलिए थोड़ा सा फास्ट चलने की कोशिश कीजिए और समझते रहिए। कोई परेशानी हो तो कमेंट सेक्शन में डालिए, मैं उसको जवाब दूंगा आपको, ठीक है। लेकिन चल रहा है फ्लो, चलने दीजिए उसको। तो अब हम अगला जो हमारा है वो हम ओशन डिपॉजिट की बात करेंगे, महासागरीय निक्षेप। देखिए महासागरीय निक्षेप, डिपॉजिट निक्षेप, जमा हो जाना कोई चीज़, जम जाना, क्या जम जाना, कहाँ से जम जाना। तो महासागर तो पूरी दुनिया का भंडार है, सारी दुनिया की जो नदियाँ हैं वो सब कहाँ जाती हैं, कहीं ना कहीं सागर में जाकर गिरती हैं, महासागर में जाकर गिरती हैं। तो नदियाँ अपने साथ सेडिमेंट लाती हैं, वो सारा सेडिमेंट कहाँ जाता है, महासागर में तो जाता है। तो वो और महासागर का अपना, महासागर में विभिन्न प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं, वनस्पतियाँ पाई जाती हैं, वो सारी चीज़ें, ज्वालामुखी घटना क्रिया कोई महासागरों के अंदर हो रही है, वो सारा मटेरियल, ठीक, तो वो सब जम उसका एक एक डिपॉजिट, एक भंडार हो जाता है, एक जमाव हो जाता है, उसको हमने कैटेगराइज कर दिया है बस।
कोई भी चीज़ को आसान तरीके से समझने की कोशिश करेंगे तो बहुत सब ईजी लगेगा। डरने की ज़रूरत नहीं कि ओशन डिपॉजिट क्या है, महासागरी निक्षेप क्या है। अरे भाई ये समझो कि महासागरों में सब पूरी दुनिया की नदियाँ जा रही हैं, तो नदी अपने साथ, आप देखते हैं बाढ़ आने के बाद नदी जब सिमट जाती है तो कितना सारा छोड़ जाती है अपने पीछे। और यहाँ तो क्या हो रहा है, महासागर में पूरी नदी जा रही है, पूरे साल के 12 महीने जा रही है और पूरी दुनिया की नदियाँ जा रही हैं, तो क्या होगा, वो जमा करेंगी। उसके बाद जो वहाँ के जीव जंतु हैं, वहाँ की वनस्पतियाँ हैं, वो डिस्ट्रॉय होंगी, तो वो भी वहीं, कोई जीव मर जाता है तो वहीं जमा होगा उसमें, कोई वनस्पति ख़त्म हो रही है तो वो भी वहीं रहेगी, या वो जीवित है तो भी उसी के अंदर है। उसके बाद कोई जो वॉल्केनिक एक्टिविटीज़ हो रही हैं वो भी वहीं हैं, तो उन सब से क्या है, उन सब का जो एक भंडार है, एक जमाव है, उसको हम मैरिन, उसको हम ओशन डिपॉजिट या महासागरीय निक्षेप कह देते हैं। बस उसको कैटेगराइज करना है कि कौन सी कैटेगरी का कौन सा है, वो हमें पढ़ना है, वो हमें नंबर दिलाएगा। ठीक है, तो वो क्या नंबर दिलाएगा, वे सभी पदार्थ जो महासागरीय नितल, नितल मीन्स ओशन फ्लोर, महासागर की सतह, उसकी तली, उसका बॉटम, सारी बातें बहुत दिन से समझा रहा हूँ आपको क्या होता है। नितल मीन्स फ्लोर, कोई आप उसमें डालेंगे सेडिमेंट नदी द्वारा, किसी के द्वारा, तो उसकी तली में जम जाएगा। तली आपने पढ़ी थी, कॉन्टिनेंटल स्लो, सेल्फ कॉन्टिनेंटल स्लोप, डीप सी प्लेन और ट्रेंचेस। तो जो लास्ट जो बचता है वो ट्रेंचेस में जमा होता है, और जो डीप सी प्लेन है, महागभीर सागरीय मैदान है, उस पर जाके जमा होता है, होता है। तो परिभाषा क्या होगी, किताबी परिभाषा वो सुनिए, वे सभी पदार्थ जो महासागरीय नितल पर एकत्रित होते हैं महासागरीय निक्षेप कहलाते हैं। कितनी आसान सी बात है जो बड़ी कठिन लगती है, सारांश मैं आपको समझा चुका। ओशन डिपॉजिट, मर्रे और रेनार्ड दो नाम थे इनके, याद रखिए, दो विद्वान थे, इनका नाम था मर्रे और रेनार्ड। इन्होंने क्या कहा था, इनके विषय में विशिष्ट जानकारी दी थी। कभी अगर बात आती है जोड़ने के लिए ओशन डिपॉजिट के बारे में किसने कहा सबसे पहले, तो आप मर्रे और रेनार्ड का नाम याद रखेंगे। अब देखिए, महासागरीय निक्षेप को हम उसको एक फ्लो चार्ट बना लें तो बड़ा आसान हो जाएगा हमारे लिए। फ्लो चार्ट कैसे करेंगे, इसमें आप यहाँ पर लिख सकते हैं ओशन डिपॉजिट, डिपॉजिट या महासागरीय निक्षेप, और इसकी कैटेगरी बना लीजिए, चार पॉइंट इसके बना लीजिए। मैं सारा लिखूंगा तो लेट हो जाएगा, थोड़ा टाइम कम है, तो आप सुनते रहिए, मैं बोल रहा हूँ आपको, आप बनाते रहिए अपनी कॉपी पे। ओशन डिपॉजिट यहाँ हमने लिखा, महासागरीय निक्षेप, ठीक है। अब यहाँ 1, 2, 3 क्या लिखना है वो देखिए। सबसे पहले स्थलीय निक्षेप, जिसको हम टेरिजेनस बोलते हैं, स्थलीय निक्षेप नंबर 1 पे लिखेंगे, टेरिजेनस, टेरिजेनस डिपॉजिट्स। इसमें 1, 2, 3 क्या होगा, स्थलीय निक्षेप मतलब जिसका संबंध स्थलभाग से होता हो, वो क्या हो सकता है, जैसे बजरी, ग्रावेल्स, मतलब भाई नदी अपने साथ सेडिमेंट लेके जाती है, जमाव उसमें करती है, नदी में ही। आपने जब आपको मैंने जियोमॉर्फोलॉजी पढ़ाया था तब बताया था नदियाँ क्या करती हैं, उसके जो इरोजन टूल्स होते हैं वो क्या करते हैं, ड्रिलिंग करते हैं, पत्थर को तोड़ते हैं, काटते हैं, तो बड़ी चट्टान वो छोटे छोटे रूप में कन्वर्ट होती चली जाती है, और लास्टली वो क्या बन जाती है, वो सैंड या रेत में कन्वर्ट हो जाती है। एक बड़ा विशाल भूखंड जो था चट्टान का टुकड़ा, वो एक रेत में कन्वर्ट हो गया। तो इतने बड़े टुकड़े से रेत में कन्वर्ट होने का सफ़र जो था वो ग्रावेल्स, पेबल्स, सब में बदलता हुआ चलेगा। तो यहां जो हम बात करेंगे, स्थलीय निक्षेप लिखेंगे, पहला लिखा आपने टेरिजेनस डिपॉजिट्स लिखा, उसमें आप क्या लिखेंगे, बजरी, चार पॉइंट यहां बना रहे हैं। तो पहला आप चाहे इसको पहले चारों सुन लीजिए क्या हो सकते हैं। अगला लिखिए ज्वालामुखी पदार्थ निक्षेप, यानी जो वॉल्केनिक डिपॉजिट्स क्या हो सकते हैं, ज्वालामुखी क्रिया से निर्मित जो निक्षेप होंगे वो क्या हो सकते हैं, नंबर 2 पे लिख लीजिए। तीसरे पे लिखिए जैविक या यानी बायोटिक या कार्बनिक निक्षेप, तीसरा, और चौथा आप लिख लीजिए अकार्बनिक। ये चार हो गए, दोबारा सुन लीजिए, स्थलीय निक्षेप सबसे पहला, महासागरीय निक्षेप या ओशन डिपॉजिट, उसमें आपने लिखा स्थलीय निक्षेप, दूसरा लिखा आपने ज्वालामुखी पदार्थ निक्षेप, तीसरा आपने लिखा जैविक या बायोटिक। देखिए पहला और तीसरा इंपॉर्टेंट है, और सबसे ज़्यादा तीसरा इंपॉर्टेंट है, जैविक पदार्थ निक्षेप, और लास्ट आपका अकार्बनिक। अब पहला सुन लीजिए, जो टेरिजेनस आपने देखा उसमें क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, स्थल भाग से संबंधित क्या हो सकता है, तो बजरी हुई जिसको हम ग्रावेल्स बोलते हैं, रेत यानी सैंड, सिल्ट, ये सब डिफरेंट टाइप की मिट्टी के ही प्रकार कह सकते हो आप। उसके बाद मृतिका यानी क्ले, क्ले मिट्टी, मृतिका क्ले, और क्ले में क्या होगा, क्ले के बाद पंख यानी मड, कीचड़, है ना, ये डिफरेंट टाइप्स हैं मिट्टी की, में पानी की मात्रा के अनुसार, उनके कणों के विन्यास कॉन्फ़िगरेशन के अनुसार
ये सारी चीज़ें अब यहाँ हमारे टॉपिक में नहीं है, लेकिन मैं थोड़ा सा आपको हिंट दे दिया कि ये जो नाम मैंने लिए, ये सारे जो नेम्स हैं वो सब रॉक्स के छोटे छोटे टुकड़े हैं, उनके उनके टाइप्स हैं, और उनमें क्या देखा गया, उनका कॉन्फ़िगरेशन देखा गया है, उनकी साइज़ देखा गया है, और उनमें पानी की मात्रा देखी गई, वो कितने पोरस हैं ये देखा गया। तो क्या क्या बने इसमें, बजरी, रेत, सिल्ट, मृतिका, पंक यानी ग्रेविल, सैंड, सिल्ट और क्ले और मड। पंक, पंक बोलते हैं, पंख नहीं, पंक, मड, पंक। और इसके तीन टाइप होते हैं, ब्लू, ग्रीन और रेड। ये कई बार पूछा गया इसलिए मैं थोड़ा फोकस इस पे कर दिया। ब्लू पंक, ब्लू मड, ग्रीन मड और रेड मड क्या है, ये किस किसके पार्ट है, स्थलीय, टेरिजेनस, ये ध्यान रखना क्या है। ज्वालामुखी निक्षेप के बारे में कोई डिटेल ज़्यादा नहीं पढ़ना, जो स्थल में पढ़े थे आपने उसी टाइप से राख और ये सब चीज़ें होती हैं। ऑर्गेनिक वाला देख लीजिए क्या होता है, इसमें दो होते हैं, हम जब इसको डिफाइन करेंगे यहाँ पे ऑर्गेनिक डिपॉजिट को देखेंगे तो उसमें फिर दो टाइप निकल के आएंगे। दो टाइप क्या निकल के आएंगे, एक नेरेटिक और एक पैलाजिक, यानी हिंदी में बोलेंगे इसको तट तलवासी, तट तलवासी, और दूसरा अगाध सागरस्थ। तट तलवासी यानी तट के आसपास जो मिलने वाले, और अगाध सागरीय यानी सागर की तली में मिलने वाले, वो क्या होंगे, जिसको हम बोल देते हैं नेरेटिक और पैलेजिक। नेरेटिक और नेरेटिक और पैलेजिक, पैलाजिक, ये वाला पोर्शन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जो आपसे पूछा जाएगा, पूछा गया है, क्वेश्चन पेपर उठा के देखिए। इसमें फिर नेरेटिक को छोड़ दीजिए, पैलेजिक, पैलेजिक ज़्यादा इम्पॉर्टेंट। यहाँ पर क्या करेंगे, इसमें दो टाइप होते हैं, एक चूना प्रधान और एक सिलिका प्रधान, यानी ऐसे जिनमें लाइमस्टोन ज़्यादा है, एक ऐसे जिसमें सिलिका ज़्यादा है, यानी चूना प्रधान और सिलिका प्रधान, चूने की मात्रा वाले और सिलिका की मात्रा वाले। कौन से, दोबारा सुन लीजिए, ओशन डिपॉजिट, टेरिजेनस, वॉल्केनिक एक्टिविटीज से बनने वाले, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। उसके बाद ऑर्गेनिक, इसको हमने डिवीज़न कर लिया जिसमें हमने मड वगैरह देखा, और ऑर्गेनिक में क्या देख रहे हैं, ऑर्गेनिक में देखा एक नेरेटिक, एक पैलेजिक। आप ये वाले याद कर लें, इसको हिंदी में भी कई बार किताबों में नेरेटिक ही लिखा होता है और पैलेजिक लिखा होता है, लेकिन मतलब इसको तट तलवासी और इसको अगाध सागर, ये वाले बोलते हैं, तट के आसपास और ये सागर के गहराई में मिलने वाले। तो नेरेटिक को छोड़ दीजिए, सिंगल है इसका डिवीज़न नहीं है, पैलेजिक का डिवीज़न है। पैलेजिक में दो होता है, लाइमस्टोन वाला जिसमें लाइमस्टोन मिल रहा है, चूना मिल रहा है, चूने की प्रधानता मिल रही है, और यहाँ वाले में सिलिका की मात्रा मिल रही है। अब चूने वाले में कौन से मिलते हैं, टेरोपॉड, ऊज और ग्लोबिजेरना, ये ध्यान रखना बस। इसमें चूना प्रधान यानी लाइमस्टोन वाले, लाइमस्टोन और ये सिलिका, सिलिका वाले। इसमें दो, दोनों कौन से, एक टेरोपॉड, टेरोपॉड और ग्लोबिजेरना, ये नाम ध्यान रखना, टेरोपॉड और टेरोपॉड और ग्लोबिजेरना, और सिलिका वाले में रेडियोलेरियन और डाइटम। ये चार नाम थोड़े नए हैं आपके लिए, जो आपको याद करने में दिक्कत हो सकती है, लेकिन आप दो तीन बार उसको देखेंगे, पढ़ेंगे, सुनेंगे, याद हो जाएगा। तो जो आपने ऑर्गेनिक निकाला है उसमें क्या देखा, दो टाइप आए, नेरेटिक और पैलेजिक। पैलेजिक में देखा तो दो आए, चूना प्रधान और सिलिका प्रधान। चूने को जब बांटा तो निकल के आया टेरोपॉड और ग्लोबिजेरना, और सिलिका को जब बांटा तो रेडियोलेरियन और डाइटम। इनको ऊज बोल देते हैं, टेरोपॉड ऊज, ऊज, ठीक है, ऊज। सुन लीजिए इनके बारे में, पहले जिक के बारे में, सागरीय मैदानों तथा गर्तों में पाए जाने वाले जैविक पदार्थों के निक्षेप। जैविक, देखिए जैविक से मतलब क्या हुआ, जिसमें जीवन होगा, जैविक। तो ये किसके निक्षेप होंगे, वनस्पति और जीव जंतुओं के। हर चीज़ का उसका शाब्दिक अर्थ होता है, यहाँ जैविक की बात करी तो जैविक का मतलब क्या होगा, ऐसे जिनमें जीवन कभी रहा हो, तो जीवन से मतलब या तो वो वनस्पति होगी या जीव जंतु होगा। तो ये वाले जो निक्षेप मिलेंगे वो वनस्पति और जीव जंतु के निक्षेप मिलेंगे। तो इनमें देखिए, इनको ऊज भी कह देते हैं, और चूना प्रधान और ये मिला, चूना प्रधान को देखिए, टेरोपॉड ग्लोबिजेरना का मोलस्का संघ के जीवों के कैल्शियम युक्त, जहाँ कैल्शियम युक्त कवच मिल रहे हैं उनको हम क्या बोल देते हैं, टेरोपॉड, जिसमें कैल्शियम कार्बोनेट की मात्रा 80% होती है। ये थोड़ा सा
नोट कर लीजिए, इसको याद करना है। और ग्लोबिजर्ना नामक जीवों के अवशेषों से निर्मित, पहले वाले में टेराबोट की बात करी तो उसमें कैल्शियम मोलस्का संघ के जीव हैं, वो थोड़ा बायोलॉजी भी यहाँ पे आ गई, मोलस्का संघ के जीव और उनमें क्या मिल रहा है, कैल्शियम युक्त कवच उनका, जैसे शंख सीप ये सब होता है इसके अंदर जीव होता है। और दूसरा क्या है, ग्लोबिजर्ना, ग्लोबिजर्ना नामक जीवों के अवशेष से मिलने वाले जो ऊज है उनको क्या बोल दे रहे हैं, ग्लोबिजर्ना ऊज। और इसमें मात्रा कैल्शियम की मात्रा 64% होती है। सिलिका वाले में रेडियोलेरियन जीव के नाम पर रेडियोलेरियन कह दिया। और डायटम नाम के सूक्ष्म पौधे, उसको पौधों के नाम पर डायटम ऊज कह दिया। तो कोई भी ऐसी विशेष कठिनाई वाली बात नहीं जो आप याद ना कर सकें, जीवों के नाम पर और वनस्पति के नाम पर इनका नामकरण किया है, बस वो थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। और अकार्बनिक पदार्थ की बात करें तो उसमें क्या मिलेगा, खनिज तत्व मिल जाएंगे जिसमें डोलोमाइट, सिलिका, लोहा, मैग्नीज ऑक्साइड, फॉस्फेट तथा पाइराइड, ये सब मिल जाएगा। ये चीज़ें कोई ऐसी खास इसमें नया नहीं है। तो ये बात हो गई आपके मैरीन डिपॉजिट्स की, ओशनिक ओशन डिपॉजिट की। अब अगला जो हमारा पार्ट इसमें आता है वो आता है कोरल एंड कोरल रीफ्स, प्रवाल और प्रवाल भित्तियाँ। प्रवाल मीन्स मूंगा, कोरल ये भी एक जीव होता है, प्रवाल क्या होता है, एक जीव होता है, एक मूंगा क्या होता है, एक जीव होता है, उसको मूंगा कहें, प्रवाल कहें या कोरल पॉलिप कहें, तो जीव होता है इसका, सुन लीजिए। प्रवाल यानी कोरल एंड कोरल रीफ्स, कोरल कोरल एंड कोरल रीफ्स, प्रवाल भित्ति। कोरल एंड कोरल रीफ्स, प्रवाल या कोरल, हिंदी में प्रवाल या मूंगा, अंग्रेजी में कोरल अर्थात मूंगा। संग सिलेंट्रेटा, यहाँ भी थोड़ी बायोलॉजी आ गई, संग सिलेंट्रेटा ये थोड़ा सा याद रख लेना, दूसरे सब्जेक्ट का है। संग सिलेंट्रेटा का एक समुद्री जीव है जो उष्णकटिबंधीय महासागरों में पाया जाता है। ये विशेषता आपको भूगोल की याद रखनी है, वो क्या है, प्रवाल है, मूंगा है और किस कैटेगरी का है, संग सिलेंट्रेटा का है, लेकिन मिलता कहाँ है, उष्णकटिबंधीय महासागरों में, यानी ट्रॉपिकल ओशन का जो पार्ट है, यानी ट्रॉपिकल जोन में जो भी महासागरीय भाग मिलता है वहाँ पर वो पाया जाता है, वो टेम्परेट में किसी और में जीवित नहीं रह पाएगा। ठीक है, तो ये विशेषता मिलती है, ये आपसे पूछा गया है, पूछा जा सकता है कि जो कोरल के लिए आदर्श बनेगा स्थिति वो कौन सा होगा, उष्णकटिबंधीय महासागर बनेगा। ठीक है, आगे यह अपना निर्वाह चूने से करता है, इसके लिए भी चूना प्रधान होना चाहिए, चूना से जीवन चलता है। जिस तरह सीप के अंदर, शंख के अंदर जीव रहते हैं, उसी टाइप से ये कोरल का भी एक है कि एक जीव होता है उसके अंदर ऊपर एक कुछ का कवर होता है, तो वो क्या है, कोरल या प्रवाल या मूंगा। और हमारे लिए कि हम उसे क्यों पढ़ रहे हैं ये समझ लीजिए, हम इसलिए समझ पढ़ रहे हैं कि जब बहुत बड़ी संख्या में ये इकट्ठे हो जाते हैं तो द्वीपों का निर्माण हो जाता है, आइलैंड्स बन जाते हैं, इसलिए हम इनको पढ़ रहे हैं। समुद्री जीव है उनसे हमारा मतलब नहीं है, हम जीव जंतु नहीं पढ़ते, लेकिन वो आइलैंड बनाते हैं। जैसे लक्षद्वीप की बात करें, भारत का लक्षद्वीप हर बच्चा जानता है, तो लक्षद्वीप क्या है, वो मूंगा की चट्टानों से बना हुआ है, इसलिए हम उसको पढ़ रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी संख्या में एक जगह पाए जाते हैं, और ये जब जीव उसके अंदर मर जाता है तो चट्टान जो उसका कवर होता है उस कवर पे दूसरा जीव आ जाता है, इस तरह से एक जैसे चेन जैसी बन जाती है और पूरा जमाव हो जाता है और आइलैंड्स बन जाते हैं, इसलिए हम इनको पढ़ रहे हैं, क्योंकि द्वीपों को पढ़ना हमारे भूगोल के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो यह अपना निर्वाह चूने से करता है, एक स्थान पर असंख्य मूंगे के एक साथ समूह में रहते हैं, मतलब बहुत सारे ग्रुप में ये मिलते हैं, तथा अपने चारों ओर चूने की खोल बना देते हैं, जो कवर की बात मैंने अभी बात की। मूंगा यानी जीव, मूंगा मर जाता है, जीव मर जाता है, उसके खोल पर, उसके कवर पर दूसरा मूंगा अपना कवर बना लेता है, तो एक एक पॉइंट के साथ दूसरा पॉइंट जुड़ता चला जाता है और ऐसे जमाव इनके होते चले जाते हैं। ठीक है, इस तरह से जमाव होते चले जाते हैं। तो ये किस आकार में बनेंगे, वो आकार हम अभी आगे पढ़ने वाले हैं, तो ये इतनी बात आपके समझ में आ गई होगी। इस क्रिया के कारण एक लंबे समय के अंदर एक विस्तृत भित्ति रीफ बन जाती है, भित्ति यानी एक आकृति कह सकते हो, भित्ति बन जाती है, रीफ बन जाती है, जिसको हम प्रवाल भित्ति कह देते हैं, यानी मूंगे से बना हुआ एक भाग, उसको हमने प्रवाल भित्ति या कोरल रीफ कह दिया। कैसे बन रहा है बताया मैंने अभी आपको। अब इनकी परिभाषा एक और सुन लीजिए, ये अत्यधिक जैव विविधतापूर्ण अंतःसागरीय स्थलाकृतियाँ, समुद्र के अंदर थोड़ी सी डूबी हुई स्थलाकृतियाँ रहती हैं, इनका निर्माण मूंगा या कोरल पॉलिप नामक समुद्री जीवों के अस्थि पंजरों से हुआ है, ये सब मैं आपको बता चुका।
चक्रवाल भित्तियों का निर्माण, ये विशेषताएं हैं और आपसे पूछी जाती हैं आदर्श स्थिति क्या है मूंगे की चट्टानों के बनने के लिए, वो आप बिल्कुल ध्यान से सुने और याद कर लें, उसको लिखते रहिए। प्रवाल भित्तियों का निर्माण उष्णकटिबंधीय सागरों में होता है, अभी मैं आपको बता चुका। विस्तार 25 डिग्री उत्तर से 25 डिग्री दक्षिण। आप देखिए कर्क रेखा जो है वो 23 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ पे होती है, मकर रेखा 23 डिग्री 30 मिनट साउथ में होती है, यानी कैंसर और कैप्रिकॉर्न की बात हो रही, तो 23 डिग्री 30 मिनट यानी लगभग 24 और यहाँ 25 का है, तो आप कह सकते हैं कि ट्रॉपिकल जोन पूरा इसमें आ रहा है। तो दोनों गोलार्धों में यानी 25 डिग्री उत्तर से 25 डिग्री दक्षिण तक का जो भाग है वो मूंगे के उत्पन्न होने के लिए, कोरल रीफ बनने के लिए एक आदर्श दशा है। ये बहुत बार पूछा गया है और आपको याद करना है। किसी द्वीप या तट के सहारे 200 से 300 फीट की गहराई में स्थित अंतःसागरीय चबूतरों पर होती है। अंतःसागरीय चबूतरे सबमरीन पार्ट शेल्फ, वहाँ पर इनकी उत्पत्ति होती है और ये उठते हुए ऊपर तक आ जाते हैं। सूर्य का प्रकाश पर्याप्त मात्रा में पहुंचना चाहिए, आप देख सकते हैं उष्ण द्वंद में है, सूर्य का प्रकाश पर्याप्त मात्रा में पहुंचेगा, कोई प्रॉब्लम की बात ही नहीं है। तापमान विशेषकर आपको याद रखना है 20 डिग्री से 21 डिग्री सेंटीग्रेड, ये बहुत बार पूछा गया है, 20 डिग्री से 21 डिग्री सेंटीग्रेड इनका टेम्परेचर, और कई जगह इसको 20 से 25 कह दिया गया है कई किताबों में। आप देखें एकदम एक्यूरेट की बात करें तो 20 से 21 होता है, थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन की बात करें तो 20 से 25 होता है, ये ध्यान रखें। ये आदर्श दशा है, आदर्श तापमान है मूंगा की चट्टान, मूंगा के जीवन जीवित रहने के लिए 20 डिग्री से 21 डिग्री या 20 डिग्री से 25 डिग्री। अवसाद मुक्त जल, वहाँ पर अवसाद नहीं होने चाहिए जल में। सामान्य सामुद्रिक लवणता, लवणता की मात्रा सामान्य हो, ना बहुत ज़्यादा ना बहुत कम, इस बात का भी ध्यान रहे, लवणता की मात्रा बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 25 से 30 किस तरह लिखेंगे लवणता की बात आएगी तो 25 से 30 इस तरह के सिंबल, ये सीख लीजिए सारा भूगोल कैसे लिखा जाता है, भूगोल में चीज़ें कैसी लिखी जाती हैं। मानवीय आर्थिक क्रियाकलापों से विमुक्त क्षेत्र, ऐसा क्षेत्र नहीं हो जहाँ मानव खनन कर रहा है या कोई अपनी आर्थिक क्रियाएं कर रहा है, वहाँ पर जीवित नहीं रह पाएंगे, तापमान में अंतर आ जाएगा, लवणता में अंतर आ जाएगा, तो इसलिए वो जीवित नहीं रह पाएंगे। पूर्ण स्वच्छ जल, अब देखिए ये तो इनकी आवश्यक दशाएं थी, क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए जहां पर ये रहेंगे, अब क्या नहीं होना चाहिए? पूर्ण स्वच्छ जल नहीं होना चाहिए, एकदम स्वच्छ स्वीट वाटर होगा तो भी ये नहीं पनपेंगे, प्रदूषण युक्त क्षेत्र होगा तो ये नहीं जीवित रह पाएंगे। अधिक सामुद्रिक गहराई एवं लवणता इनके विकास में बाधक होते हैं, अधिक सामुद्रिक गहराई में भी नहीं मिलेंगे, कहाँ मिलेंगे? 200 से 300 फीट गहरे जो अंतःसागरीय चबूतरे हैं, सबमरीन जो शेल्फ हैं वहाँ पर ये मिलेंगे। अब देखिए कैसे कैसे बन सकते हैं, इनके तीन प्रकार होते हैं, एक तटीय प्रवाल भित्ति जिसको हम फ्रिंज रीफ कह देते हैं, फ्रिंजिंग रीफ, तटीय तट के पास बनते हैं, जैसे कि भारत में मन्नार की खाड़ी है, रामेश्वरम यानी श्रीलंका, रामेश्वरम आइलैंड के आसपास जो गल्फ ऑफ मन्नार है, इंडिया के मैप में आप देखेंगे आज गल्फ ऑफ मन्नार रामेश्वरम आइलैंड के आसपास, वहाँ पर क्या है आपको प्रवाल, ये जो तटीय प्रवाल भित्ति फ्रिंजिंग रीफ आपको मिल जाएगी, भारत में मन्नार की खाड़ी, रामेश्वरम आइलैंड पंबन चैनल के आसपास, और फ्लोरिडा, दक्षिणी फ्लोरिडा, मलेशिया, यहाँ पर क्या मिलेगा आपको? फ्रिंजिंग वाला ये मिल जाएगा। अगला है अवरोधक प्रवाल भित्ति यानी बैरियर रीफ, जिसका नाम आपने सुना होगा ग्रेट बैरियर रीफ, जो ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी भाग में मिलती है और ऑस्ट्रेलिया के पूर्व में उत्तर से दक्षिण की ओर फैली हुई प्रवाल भित्ति, और ये क्या करती है? तट से थोड़ा सा गहराई में आपको मिलेगी। इसका जो ढाल होता है वो 25 से 45 डिग्री के लगभग होता है, इनके बीच में छछली लैगून, वही मैंने कहा कि समुद्र के तट यानी तट से थोड़ा गहराई मिलेगी तो बीच में एक जल राशि आ जाएगी, और उसमें जल राशि नहीं आ रही थी। ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट के सहारे 9 डिग्री से 22 डिग्री, ये नोट कर लीजिए, ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट के सहारे 9 डिग्री से 22 डिग्री दक्षिणी अक्षांश साउथ लैटिट्यूड की बात हो रही है, वहां पर क्या मिलता है? ग्रेट बैरियर रीफ, ये यहां की बात, 9 डिग्री टू 22 डिग्री साउथ, जो तट से 32 से 48 किलोमीटर की दूरी पर है और 1200 मील या 1920 किलोमीटर लंबी है, जो विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति कहलाती, जिसको ग्रेट बैरियर रीफ कहा जाता है, अवरोधक प्रवाल भित्ति।
अगली नंबर तीन है प्रवाल वलय या एटॉल। प्रवाल वलय यानी वलय का मतलब रिंग जैसा हो गया, ऐसी प्रवाल वृत्ति जो किसी द्वीप या जलमग्न पठार के चारों तरफ बन जाती है, वो प्रवाल या अंडाकार रूप में बन जाती है, इसको हम प्रवाल कह देते हैं। घोड़े की नाल या अंगूठे के समान होती है, इसलिए इसको एटॉल कह देते हैं। वलयाकार आए या एटॉल आए तो वो क्या है, आप इसको समझ जाइए। तो इसका क्या है, लक्षद्वीप समूह। लक्षद्वीप भारत में, लक्षद्वीप आप देखेंगे केरल के तट से पश्चिम की ओर देखेंगे, लक्षद्वीप समूह मिलेगा, तो वो किसका उदाहरण है, एटॉल का एग्जांपल है। फिजी का, फिजी और फोरफुटी आइलैंड, ये सब क्या हैं, सारे एटॉल के एग्जांपल हैं। अब देखिए ये तो हुआ कोरल रीफ क्या है, उसके टाइप कितने हो सकते हैं। अब इनसे संबंधित सिद्धांत जो बहुत बार पूछे गए हैं वो आप नोट कर लीजिए क्या क्या हैं। डार्विन का अवतलन सिद्धांत यानी सब्सिडेंस थ्योरी ऑफ डार्विन, डार्विन का अवतलन सिद्धांत लिख लीजिए इसको, डार्विन का अवतलन सिद्धांत, सब्सिडेंस थ्योरी ऑफ डार्विन किसके रेफरेंस में है, कोरल रीफ से रिलेटेड है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे, ठीक है। डार्विन का अवतलन सिद्धांत किससे संबंधित है, कोरल रीफ से संबंधित है, मूंगे की चट्टान से संबंधित है, मूंगे से संबंधित है, प्रवाल भित्तियों से संबंधित है। अगला मरे का स्थिर स्थल सिद्धांत, मरे जो स्टार्टिंग में बात की थी, मरे का स्थिर स्थल सिद्धांत यानी स्टेबल लैंड थ्योरी, स्टैंड स्टिल थ्योरी भी बोल दिया जाता है और स्टेबल लैंड थ्योरी भी बोल दिया जाता है। अगला है डेली का हिमानी नियंत्रण सिद्धांत, डेली ये विद्वानों के नाम बोल रहा हूँ मैं, डेली ग्लेशियल कंट्रोल थ्योरी बाय डेली। और अगला है डेविस ने क्या दिया है, द कोरल रीफ प्रॉब्लम। डेविस की एक बुक थी जिसका नाम था द कोरल रीफ प्रॉब्लम, ठीक है। ये चार सिद्धांत आपको ध्यान रखने, ये पूछ लिए जाते हैं आपसे क्या क्या हैं। अगला एक इसमें आता है वर्ड कोरल ब्लीचिंग, प्रवाल विरंजन, कोरल ब्लीचिंग। ब्लीचिंग आपने देखा, ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं, ब्लीचिंग पाउडर क्या करता है, वो चीज़ों को साफ कर देता है। तो कोरल ब्लीचिंग का मतलब ही इसी लगभग इसी टाइप से है, शैवालों प्रवाल जीवों का जो जंथले नामक सूक्ष्मदर्शी शैवालों से संबंध होता है, तो उसमें क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं और इनसे पोषक पदार्थों को प्राप्त करते हैं, ग्रहण करते हैं, जो इनके विकास में मदद करते हैं। आप देखिए प्रवाल ब्लीचिंग क्या हुआ, व्यंजन क्या हुआ, प्रवाल व्यंजन का सामान्य अर्थ होता है शैवाल यानी एल्गी का श्वेत रंग होने से प्रकाश संश्लेषण ना होने के कारण शैवाल के अभाव में प्रवाल मर जाता है, यानी मर जाता है, उसका सफाया हो जाता है, और इस घटना को क्या कह देते हैं, कोरल ब्लीचिंग या प्रवाल व्यंजन बोल देते हैं इसको, जो ग्लोबल वार्मिंग के कारण ऐसा सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। तापमान में वृद्धि होने के कारण मूंगे का पूरा स्थान साफ हो जाता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया ना हो पाने के कारण शैवाल का रंग बदल जाने के कारण, सफ़ेद हो जाने के कारण ये क्या बन जाता है, कोरल ब्लीचिंग या प्रवाल विरंजन हो जाता है, जिससे प्रवाल जीवों को बहुत नुकसान होता है, जिसमें 1997-98 में एल नीनो के बारे में कल बताया था, गर्म महासागरीय धारा होती है, एल नीनो के आ जाने से क्या हुआ, बहुत बड़ी मात्रा में कोरल रीफ्स का विनाश हुआ, जिसको कैटेस्ट्रॉफ कोरल कैटेस्ट्रॉफ, ये याद रखना, 97-98 में एल नीनो के कारण क्या हुआ था, कोरल कैटेस्ट्रॉफ, जिसमें प्रवाल विरंजन की क्रिया हुई, कोरल ब्लीचिंग की क्रिया हुई, बहुत सारे कोरल जीव का सफाया हो गया, किसके कारण, एल नीनो के कारण, जो कि एक गर्म महासागरीय धारा होती है, तापमान को उसने बढ़ा दिया। तो इसमें आप देख लेंगे तापमान वृद्धि और समुद्री प्रदूषण पर रोक लगाकर हम क्या कर सकते हैं, इस पर कंट्रोल कर सकते हैं। एक और टॉपिक आपका बच्चा, मैं इसको भी बता देता हूँ थोड़ा सा, ज्वारभाटा यानी टाइड्स की बात हुई, तो टाइड्स भी क्या है, महासागरीय जल की गतियाँ हैं। ज्वारभाटा क्या है, महासागरीय जल की गतियाँ हैं, महासागरीय जल में जो उथल पुथल हो रही है, यानी सागरीय जल का किनारे की तरफ बढ़ना या पीछे की तरफ हटना, वो सब क्या कहलाता है, ज्वारभाटा कहलाता है। तो क्या है इसका रीज़न देख लीजिए, जल में उतार चढ़ाव यानी किनारे की तरफ बढ़ जाना और पीछे की तरफ हट जाना, सागर के अंदर से बात अगर करें तो वो सब घटना क्रिया क्या कहलाती है, ज्वारभाटा कहलाती है। तो सूर्य तथा चंद्रमा की आकर्षण शक्तियों के कारण सागरीय जल के ऊपर उठने या नीचे गिरने को ज्वारभाटा कहते हैं। सूर्य चंद्रमा की आकर्षण शक्ति से जल में क्या होता है, खिंचाव की स्थिति उत्पन्न होती है।
सूर्य चंद्रमा पृथ्वी, आप देखते हैं पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगाता है, तो इन पे जो चीज़ें स्थित होंगी उन पर सूर्य और चंद्रमा का प्रभाव जरूर पड़ेगा। और पानी बहुत बड़ी मात्रा में है, पृथ्वी घूम भी रही है और बाकी इसके चारों तरफ चंद्रमा भी घूम रहा है, तो क्या होता है, चंद्रमा की जो आकर्षण शक्ति है वो उस पर अपना प्रभाव डालती है और उस प्रभाव के कारण सागरीय जल में के ऊपर उठने या नीचे गिरने की जो क्रिया हो रही है उसको क्या कह देते हैं, ज्वारभाटा कह देते हैं। इससे उत्पन्न तरंगों को ज्वारीय तरंग कह देते हैं, ठीक है। इसके दो भाग होते हैं, टाइड और ऐब, यानी ज्वार और भाटा। तरंग का ऊपर चढ़ना वो ज्वार और पीछे की तरफ हटना वो भाटा, यानी टाइड और ऐब। अब सागरीय जल के, ये मैं आपको बता चुका, इसके प्रकार देख लीजिए, दो प्रकार से होता है, बृहद या दीर्घ ज्वार यानी स्प्रिंग टाइड, और नीप या लघु ज्वार। ये दो मुख्य होते हैं, बाकी के एक दो और भी हैं लेकिन दो मुख्य होते हैं। इनका मुख्य का समझ लीजिए क्या है, ज्वार उत्पन्न करने में चंद्रमा की भूमिका जो होती है वो सबसे ज़्यादा होती है। तो जब पूर्णिमा और अमावस्या को चंद्रमा, पृथ्वी और सूर्य एक ही दिशा में होते हैं, एक ही सीध में होते हैं, यानी आप देखेंगे कि पृथ्वी और चंद्रमा और सूर्य, या आप देखिए पृथ्वी यहाँ स्थिति में है, उसके बाद चंद्रमा और उसके बाद सूर्य, यानी ये मून और ये सन और ये अर्थ, तो इनका संयुक्त आकर्षण का प्रभाव इस पर पड़ रहा है। तो ये कब होगा, पूर्णिमा यानी फुल मून और न्यू मून की स्थिति में क्या होता है, इनको सिजगी भी बोल देते हैं, तब क्या होगा इसमें दीर्घ ज्वार होगा, या इसको हम स्प्रिंग टाइड बोल देते हैं, क्योंकि संयुक्त रूप से इन पे आकर्षण शक्ति लग रही है। अब आप देखिए एक स्थिति बनती है ये वाली, एक तरफ चंद्रमा और यहाँ पृथ्वी और यहाँ सूर्य, ये समकोण वाली स्थिति बन रही है, तब जिसका प्रभाव ज़्यादा होगा, यहाँ दोनों का खिंचाव लग रहा था, यहाँ दोनों एक दूसरे को विपरीत दिशा में खींच रहे हैं। तो आप देखिए जब ऐसी स्थिति बनती है तब क्या होता है, उसको हम लघु ज्वार या नीप टाइड बोलते हैं। और ये कब होता है, शुक्ल पक्ष और की सप्तमी और अष्टमी, यानी सप्तमी और अष्टमी तिथि जो होती हैं, जब हिंदी महीने के हिसाब से काउंटिंग होती है, 1, 2, 3 इसको काउंट करते हैं, तो जो सप्तमी और अष्टमी तिथि होती है उस तिथि में ऐसा होता है, ये वाली कंडीशन बनती है, एक तरफ मून और एक तरफ सन और यहाँ पर अर्थ, तब क्या होता है, नीप टाइड या लघु ज्वार उत्पन्न होता है। और यहाँ वाली स्थिति में दोनों एक तरफ हैं, पूर्णिमा या अमावस्या, न्यू मून और फुल मून बन रहा है, तब क्या होता है, तब दीर्घ या स्प्रिंग टाइड बन जाता है। और बस इसका थोड़ा ध्यान ये रखना है कि चंद्रमा पृथ्वी की गतियाँ जो है, परिभ्रमण गति अलग अलग है, उसका प्रभाव इस पर बहुत ज़्यादा रहता है। तो आज हम लोगों ने ये कई सारे टॉपिक पढ़े हैं, और स्पीड शायद थोड़ी मेरी फास्ट रही होगी, हो सकता है आपको दिक्कत हुई हो, दोबारा से आप इसको एक बार देखिए, सुनिए, समझिए, तो ऐसा नहीं है कि आपको क्लियर ना हो, ज़रूर क्लियर होगा। और फिर भी कोई अगर परेशानी आपको रही हो तो आप कमेंट में ज़रूर डाल दीजिए, मैं उसको क्लियर कर दूंगा। तो आज मैं कह सकता हूँ कि हमारा आज जो फिज़िकल जियोग्राफी का पोर्शन था वो कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट सेशन में हम, नेक्स्ट जो भी क्लास होगा उसमें हम ह्यूमन का पार्ट स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू।